अलैकुम। हेलो। अलैकुम। वालेकुम सर। सर, अभी पहुंचा हूँ मैं, असल में ऑफिस से। मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर मैं आता हूँ। आप लोग इतने अगर अपना पढ़ लो, ठीक है। गिव मी जस्ट 10 मिनट्स। इतने बाकी लोग भी आ जाएंगे, अभी लोग भी कम आए हुए हैं। राइट। ओके सर। जी सर, क्लियर है। ओके
हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? हाँ जी सर, हो रही है हमने कहाँ तक किया था? सर, 90। ओके जी, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पढ़िए। 91 डैश टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग टेस्ट डाटा इनटू टू सिस्टम्स, द मॉडिफाइड सिस्टम एंड एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम, एंड कंपेयरिंग द रिजल्ट्स इज। हाँ जी, ये तो चूंकि साफ जाहिर है कि आप ये कह रहे हैं कि दो सिस्टम को डाटा दो, और एक मॉडिफाइड सिस्टम और एक अल्टरनेट सिस्टम है, तो आपने उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। तो जब भी दो चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं तो वो पैरेलल टेस्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, 92 करें। So when reviewing a network used for internet communication, an IS auditor will first examine the हाँ जी, क्या करेगा वो? जब भी वो करेगा तो सबसे पहले वो क्या मांगेगा? डिजाइन। उसकी रीजन ये है ERD कि का पूछेगा। नहीं, ERD तो डेटाबेस के उसमें आती है ना, अच्छा, ये नेटवर्क वाला, ठीक है। तो चाहे नेटवर्क हो चाहे डेटाबेस हो, तो जब भी ऑडिटर ने इन दो चीजों को ऑडिट करना है तो हमेशा उसने डिजाइन डायग्राम मांगनी है। तो जो डिज़ाइन डायग्राम है डेटाबेस के केस में वो ERD होगी, और जो आपकी क्या कहना चाहिए ये नेटवर्क है उसके केस में एक्सेस नेटवर्क डायग्राम होगी। तो ये एक्सेस नेटवर्क जो है, ये हम इसको लैंड डिज़ाइन कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन या डेटाबेस डिज़ाइन। तो पहले सबसे पहले वो ये मांगेगा। अच्छा जी, आगे चलो। अच्छा, नेटवर्क डिजाइन डायग्राम क्यों मांगेगा? वो क्या करेगा? डिजाइन डायग्राम आ गई, फिर क्या करेगा? नेटवर्क डिजाइन डायग्राम पे क्या क्या चीजें शो रही होंगी, सोचे जरा। आपने आप एक ऑडिटर हैं, आप एक नेटवर्क का रिव्यू कर रहे हैं, और आप उससे कहते हैं कि जी सबसे पहले डिजाइन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या मांगना है। तो आपने डिजाइन डायग्राम मांग ली, अब आप क्या 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 करेंगे उसको, क्या करेंगे डायग्राम को, क्या करेंगे? उमर जी सर, क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो हम उनसे डिजाइन मांगेंगे, फिर उस डिजाइन में से चीजें, एरिया मतलब जैसे वो एरियाज जो उसके अंदर डिफाइन हुए होंगे, हम उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, और ओपन एंडेड उनसे क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो शो करें हमें। नहीं नहीं डायग्राम के अंदर क्या चीजें होंगी ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं आपके ख्याल में क्या है। आपने नहीं देखी लेकिन क्या होगा सर? नेटवर्क डायग्राम में ये सारी चीजें होंगी, फायरवॉल वगैरह, उसके अलावा सारा सिस्टम, फिर IDS, IPS, वो सारी चीजें नेटवर्क से रिलेटेड उसने सीक्वेंस वाइज जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट की होंगी, वो सर वो हमें राउटर्स के बारे में नहीं बताएगा कि हमारा सिस्टम कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, लाइक कनेक्शंस बताएगा हमारे राउटर्स का, बताएगा कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन सी फायरवॉल्स हैं, हब्स कौन कौन सी हैं, या डिवाइसेस वगैरह शायद। सर सर एक्चुअली जो डिजाइन होता है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनता है, तो हम देखेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक हमारा डिजाइन बना गया, और जो हमने डिजाइन रिजेक्ट किए हैं वो किस बेस पे किए हैं। नहीं, ऑडिटर तो बाहर से आया ना, ऑडिटर तो अब अपना डिजाइन नहीं करेगा, वो तो एक्सटर्नल ऑडिटर है। अब वो क्या करेगा डिजाइन, उसको क्या पता रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स बताने वाले भी तो वही लोग हैं जिन्होंने डायग्राम दिए। यस
सर। फिर अब आपको मैंने हाथ में थमा दी डायग्राम, अब क्या करेंगे आप? डायग्राम क्या करेंगे? मैंने आपको पूरा डिजाइन डायग्राम बना दे दी, अब क्या करेंगे? उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, उसे कुछ सवाल पूछेंगे? जहन में क्या सवाल आ रहा है? सोचें सोचें, इतना भी ना सोचेंगे वक्त निकल जाए। अच्छा चलें, नेटवर्क किससे मिलके बनता है? किसी भी नेटवर्क के अंदर मेन मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं सर? क्लाइंट एंड सर्वर और उसके साथ क्लाइंट एंड सर्वर। बिल्कुल, क्लाइंट ज्यादा होंगे, सर्वर ज्यादा होंगे? क्लाइंट सर। क्लाइंट ज्यादा होंगे, एक एंटिटी हो गई क्लाइंट्स। ओके, सर्वर्स कितने किस्म के हो सकते हैं सर? सर्वर डेटाबेस सर्वर हो सकता है, उसके बाद हमारे देते जाए नाम लेते जाए सर, वेबसाइट सर्वर हो सकते हैं। वेबसाइट सर्वर होता है या वेब सर्वर होता है? वेब सर्वर सर। एप्लीकेशन सर्वर सर, एप्लीकेशन और मेल सर्वर भी आएगा। चार हो गए, और डेटाबेस ये कल ही आपने बताया था। डेटाबेस सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, मेल सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया, बैकअप सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, और डोमेन, डोमेन सर्वर हो गया, डोमेन नेम सर्वर जिसको हम कहते हैं, जो आईपी रिजॉल्व करता है, ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है। लास्ट लेक्चर में, अभी दो लेक्चर्स पहले ऑब्जेक्टिव भी आया था। और ये उमर, तुमने एक सवाल पूछा था मुझसे कि ये क्रॉप से सर्वर होता है सर। अभी जो हमने रिसेंटली जो आपने हमें लेक्चर में बताया था, आपने बोला था कि प्रॉक्सी वर्ड था जिसका बताया था कि ये भी सर्वर होता है। हाँ, प्रॉक्सी सर्वर होता है। क्या प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है? ये कनेक्ट करता है हमारे क्लाइंट और एक्सटर्नल सर्वर को। इसका मकसद क्या होता है कि जो आपकी इंटरनल सर, ये डमी के उस पे बेसिकली काम कर रहा होता है, जैसे हम किसी चीज को डमी, ये डमी नहीं होता। इसका मकसद होता है कि जो आपकी इंटरनल नेटवर्क में जो लोगों की आइडेंटिटी है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को रिवील ना हो, ये होता है मकसद। ठीक हो गया सर। सिक्योरिटी नहीं देखनी, नेटवर्क पहले देखना है, फिर सिक्योरिटी समझनी है ना। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, फिर नहीं बता सके अब आप, सुने मेरी बात। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि यार क्या इन्होंने तमाम क्लाइंट्स आइडेंटिफाई किए। हो सकता है 200-250 नेटवर्क का क्लाइंट हो, ठीक है ना, उसका ऊपर कोई आईडी लिखा होगा, ये क्लाइंट 31 है, 32। आपने अपने जहन में खाकर रख लेना है कि हाँ जरा मुझे, कि अब आप कोई सैम्पलिंग करेंगे कि हाँ क्लाइंट 31 के बारे में मैं सवाल करूंगा, उस क्लाइंट 31 पे जाऊंगा कि हाँ डायग्राम पे तो 31 है, रियल में 31 कहाँ है? एक सवाल, एक चीज हो गई। फिर आप देखेंगे कि हाँ यार इस नेटवर्क के ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है इसकी टोपोलॉजी कौन सी है। चलो टोपोलॉजी भी बाद में आते हैं। फिर आप ये सवाल पूछें, जहन में आप दोहराएंगे कि यार इस नेटवर्क के अंदर कितने सर्वर्स लगे हुए हैं? एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं। अब अगर एक कंपनी है, उसकी कोई वेबसाइट है, लेकिन नेटवर्क डायग्राम पे वेब सर्वर ही शो नहीं हो रहा, अजीब सी बात है ना, या कोई बैकअप सर्वर ही शो नहीं हो रहा नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। अच्छा, वैसे तो बैकअप सर्वर होना ऑफलाइन चाहिए, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब अगर बैकअप सर्वर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि ये खतरा है। तो पहले तो आप सर्वर देखें कि यार कौन कौन से सर्वर, पहले आप अपने जहन में रिकॉल करें, यार एक फाइल सर्वर ने बताया था, एक फाइल सर्वर होता है, एक प्रिंट सर्वर होता है, एक डेटाबेस सर्वर होता है, एक बैकअप सर्वर होता है, एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, एक डोमेन सर्वर होता है, एक आपका वेब सर्वर होता है, एक आपका
क्या कहना चाहिए, कोई पे रोल का सर्वर होगा, इस तरह के मल्टीपल सर्वर्स होंगे। फिर आप कहेंगे अच्छा यार इन सर्वर्स की लोकेशंस क्या है, इसका मतलब है कोई सर्वर कंट्रोल रूम भी होगा, ठीक है, डेटा डेटा रखने के लिए कोई डेटा सेंटर भी होगा, ठीक है, इसी तरह कोई इसका मतलब मोस्टली हमारे दो तीन कमरे होते हैं। एक हमारा डेटा सेंटर होता है जहाँ हमारा अमूमन डेटा बेस सर्वर रखे होते हैं, एक हमारा नेटवर्क ऑपरेशंस नॉक होता है, NOC हम उसको बोलते हैं, नॉक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, जहां से बैठ के हम पूरे नेटवर्क को चला रहे होते हैं। और मैंने बताया था कि नेटवर्क की पूरे नेटवर्क की हेल्थ को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का भी मैंने नाम बताया था, उसका क्या नाम बताया था, जो कि पूरे नेटवर्क से लॉग्स इकट्ठे करके एक सेंट्रल लोकेशन डैशबोर्ड के ऊपर लाके दिखाता है, क्या बोलते हैं, उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल भी बताई थी, फिर ये भी बताया था कि वो हैक हो गया। भाईजान पेपर में मैं आप लोगों के साथ नहीं हूंगा, हमारा साथ यहां तक था। मैंने क्या कहा था, सीम सॉल्यूशन का नाम लिया था एक, जी, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। मैंने सोलर विंड का नाम लिया था, सोलर विंड, तो ये मैंने आप ही लोगों को बताए थे गालबन, और इसलिए बताए थे कि अगर मुस्तकबिल करीब में मैं पूछूं तो मुझे कुछ हौसला अफजा जवाब मिले। फिर हम क्या करेंगे, हम सर्वर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, फिर हम कहेंगे कि अच्छा सर्वर की, फिर हमारा NOC हम देखेंगे कि क्या इस डायग्राम में कोई नॉक है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, क्या इसके अंदर कोई डेटा सेंटर है, क्या इसके अंदर कोई कंट्रोल रूम है। अच्छा फिर हम देखेंगे नेटवर्क के एक्सेस पॉइंट्स कितने हैं, ये लैन है, मैन है, वैन है, VPN है, क्या है, इसके एक्सेस पॉइंट्स कितने हैं। फिर हम ये देखेंगे एक्सेस पॉइंट पर फायरवॉल लगी भी नहीं लगी भी, डिजाइन की हद तक देख रहे हैं अभी हम। फिर हम देखेंगे कि जो हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं उनकी IP एड्रेसेस क्या हैं, जो सर्वर मशीन्स हैं उनकी IP एड्रेसेस क्या हैं, हमारा IDS कहाँ लगा हुआ है, IDS है भी कि नहीं है, अगर है तो कहाँ लगा हुआ है, हनीपॉट है कि नहीं, है तो कहाँ लगा हुआ है, हैं तो कितने हैं, हनी नेट्स हैं कि नहीं, हैं तो कितने लगे हुए हैं, कितने हैं और कहाँ लगे हुए हैं। इसी तरह DB सर्वर है, कहाँ लगा हुआ है, फायरवॉल है, कहाँ लगी हुई है, फायरवॉल कितनी है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कौन सी है, कौन सा वेंडर है, कितने एक्सेस पॉइंट्स हैं, कोई वायरलेस कनेक्टिविटी है कि नहीं है। अजान हो जाए फिर शुरू करता हूँ।
अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक्सेस पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक्सेस पॉइंट्स क्या आइडेंटिफाई हुए भी हैं कि नहीं, पहला तो ये सवाल है। अगर हुए हैं तो कहाँ हुए हैं, तो पहले तो हमारा काम होता है कि डिजाइन में कोई फ्लॉ निकालें कि यार डिजाइन में जो चीजें, यहाँ एक होता है कि डिजाइन के कंपोनेंट्स कम से कम पूरे होने चाहिए, दूसरी बात ये कि टोपोलॉजी कौन सी है, तो कम से कम जो डिजाइन हो उसमें क्या क्या बातें इंडिकेट हो रही हो वो मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट मशीन्स रिप्रेजेंट हो रही हो नंबर वन, उनकी आईपी एड्रेसिंग स्कीम रिप्रेजेंट हो रही हो नंबर टू, सर्वर मशीन्स रिप्रेजेंट हो रही हो, सर्वर जितनी मुख्तलिफ किस्म के मैंने बताए वो रिप्रेजेंट हो रहे हो, और अगर उनमें से कोई नहीं है तो जस्टिफिकेशन उनको पता हो कि क्यों नहीं है, कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बात, जो सर्वर्स हैं उनकी आईपी एड्रेसिंग स्कीम क्या है ये हमें पता हो, नेटवर्क टिपोलॉजी क्या है ये हमें पता हो, उसके अलावा एक्सेस पॉइंट्स कितने हैं ये हमें पता हो, डिजाइन डायग्राम ये बता रही हो ये बातें। उसके बाद फायरवॉल्स हैं या नहीं, हैं तो कौन सी है, कहाँ लगी हुई है, कितनी है, आईडीएस हैं तो कितने हैं, कितने हैं तो कहाँ लगे हुए हैं उनकी प्लेसमेंट, फिर उसके बाद इसी तरह यही सारे सवाल हैं या नहीं, हैं तो कितने हैं, दूसरा हैं कितने हैं कहाँ हैं, तीन बातें होंगी, यही सारे सवाल आईडीएस के लिए, आईपीएस के लिए, फायरवॉल्स के लिए, हनी पॉट्स के लिए, हनी नेट्स के लिए, सब बातें आप पूछेंगे। अब जब वो डायग्राम पे बता देंगे फिर आप कहेंगे अच्छा जी अब मुझे बताओ ये प्रैक्टिकली जो एक्सेस पॉइंट डायग्राम में शो हो रहा है वो एक्चुअली कहाँ है, मतलब आपने गूगल पे एक मैप देखा, गूगल में नजर आ रहा है कि आईसीएमए की बिल्डिंग है, अब आप कहेंगे ठीक है चलो यहाँ चल के देखते हैं कि वहां बिल्डिंग है कि नहीं है, तो ये आपने काम करना है। कुछ कुछ समझ आ रही है मेरी बात? जी सर, ठीक है, यू ऑडिट करना है, फिर आप ये देखेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि भाई ये जो डिजाइन है ये अप्रूव्ड है कि नहीं, फिर आप ये कहेंगे कि ये अप्रूव जो है अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, फिर आप ये पूछेंगे कि भाई ये जो डायग्राम है ये जो डिजाइन है इसकी सिक्योर कस्टडी को कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिर आप उससे पूछेंगे कि भाई इसके कितने वर्जन तुमने बनाए हैं, फिर आप उससे पूछेंगे कि जो पिछला वाला वर्जन था इस वाले वर्जन में क्या फर्क है, फिर आपसे पूछेंगे कि अगर मल्टीपल वर्जन हैं तो क्यों वर्जन चेंज करने की जरूरत पड़ी, फिर ये कि ये जो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे बनाने के क्या वो ट्रेन लोग थे या नहीं थे, फिर ये कि जिन्होंने बना के इसको सबमिट किया क्या उनके पास अप्रूविंग अथॉरिटी थी या नहीं थी, जिन लोगों ने इसको डिप्लॉय किया क्या उन्होंने इसको इसके मुताबिक डिप्लॉय किया या नहीं किया, डिप्लॉयमेंट के बाद इस नेटवर्क की किसी ने वेरिफिकेशन की या नहीं की, इसकी किसी ने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की या नहीं की, अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की थी तो कौन से इथिकल हैकर्स हायर किए थे, जरा उसका एग्रीमेंट की कॉपी दिखाओ, उस एग्रीमेंट के ऊपर क्या आप फिर पढ़ेंगे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए थे। आ रही है बात समझ? आई होप आई एम नॉट वेरी फास्ट। जी सर, आ रही समझ दिस इज, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ एक्चुअली, सर, ये जो नेटवर्क का मैंने ऑडिट पिछला वाला सर। बताया ये क्या थे, मैंने क्या आपको बताया, नेटवर्क का ऑडिट कैसे करना है, नेटवर्क के डिजाइन का बेसिकली। ये ऑडिट की चेकलिस्ट है, ये जो मैंने जितने सवाल बताए ये सवाल किसमें होंगे, ऑडिट चेकलिस्ट में होंगे। चेकलिस्ट। यस, फिर आप उनसे ये पूछेंगे कि भाई ये जो चीजें आपने खरीदी थी इनका प्रोक्योरमेंट ऑर्डर क्या था, उसका प्रोसेस फ्लो क्या था, किससे खरीदी थी, कोई आपका वेंडर ट्रस्टेड वेंडर था कि नहीं था, आपने डिवाइस की वेरिफिकेशन कैसे की, कैसे इसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया, टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन कैसे की थी। आ रही बात समझ? जी सर, हाँ, तो खैर पिछले 90 लेक्चर से रही है लेकिन वो रुक नहीं पा रही कहीं, किसी सिमट का तायुन नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलूँ आगे? ओके, 93 पढ़ें। Which one of the following is not included in IT delivery service related to IT service? ये बताऊं तो सर सवाल रिपीट हुआ इसका? है मेरे ख्याल से। अच्छा, नहीं सर, अभी नहीं किया था, यही कर रहे थे अभी। which of the following is not, पढ़ो। Which of the following is not included in IT delivery service related to IT service management?
अच्छा ऑप्शंस हैं, सर्विस लेवल मैनेजमेंट तो है, कैपेसिटी मैनेजमेंट भी है, सर्विसेज की डिलीवरी, प्रॉब्लम तो पोस्ट सर्विसेज डिलीवरी में आता है, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो ये हो गई नहीं, तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट का आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे चलो। Which of the following type of fire suppression system is best suited for IT data centers? कौन सा है? सर, नो आइडिया। वाटर इज सी और डी में से कार्बन डाउट लग रहा है। डाइऑक्साइड, सी और डी में से नोवेक और ड्राई पाउडर। सर नोवेक कार्बन सी में लग रहा है डाइऑक्साइड, सर, सी। वाटर सर वाटर बेस्ड होगा। नहीं, वाटर बेस्ड नहीं होगा, नो सर, वाटर का मुझे तो सी होता है, मैंने कंफर्म बताया था लग रहा ना है। तो आपने ड्राई सर, पैक के लेकिन बताया था बेस्ट होती है वो ड्राई पैक, या गैस थी हॉलिक के नाम से गैस, या नोवेक लिखा हुआ है। क्या कह रहे हो? अच्छा, नाम बताया था वो, गैस नहीं, गैस का नेम नहीं है इधर। एक हेलन गैस है, हेलन। हाँ हेलन, हेलन हेलन गैस, और वाटर बेस बताया था आपने ड्राई पाइप का। हाँ बिल्कुल, ये इसमें से आपको देखें, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना। अच्छा यार, प्लीज जी अलाउ मी टू हैव माय टी, मैं सुबह से निकला हूँ। एनी हाउ, अच्छा ये जो अभी आप लोग नहीं, वरना मैं आप लोगों को भी मधु करता। तो बहरहाल, अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो हेलन गैस थी वो मैंने बताई थी कि वो पूरे कमरे में से या उस जगह से क्या निकाल लेती है। ऑक्सीजन निकाल लेती है। और जो स्प्रिंकलर सिस्टम थे वो कितने किस्म के थे? जैन से निकल गया। दो किस्म के थे कौन से? नहीं, सर, एक ड्राई था और एक वेट था। ड्राई और वेट नहीं होता, ड्राई और फिल्ड पाइप होता है। जी सर, फिल्ड। अच्छा, उन दोनों में खतरा क्या था? जो ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, मैंने उसका नुकसान तो बताया था कि मुझे हफी सेंटर में हुआ। जी सर, वेट जो उसका फील्ड होता है, उसका मसला क्या है कि अगर वैसी वो वैसी की हाल लग जाए तो फिर और मसला। डेटा सेंटर में पानी आ जाए तो इक्विपमेंट तो जल जाएगा ना। जी सर, तो इसलिए वो अच्छा इतना अफेक्टिव कंसीडर नहीं होता, खास तौर पे डेटा सेंटर के लिए। डेटा सेंटर के लिए, क्योंकि डेटा सेंटर में तो डेटा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं करते क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, लाइफ एट रिस्क है। हेलन जी गैस का सर, मसला वो ये कि वो ऑक्सीजन निकाल लेती, तो इनडायरेक्टली वो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉज करती है। उसका एक और मसला भी था हेलन का, वो ये कि उसके ऊपर जो उसका जो साइड इफेक्ट है वो ये कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। मतलब ये कि वो बेसिकली उसका जो एक इम्पैक्ट है वो उसके ऊपर आता है, ओजोन लेयर के ऊपर। तो जो इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं उनके खिलाफ अगर हम वो यूज करें तो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के वॉयलेशन होने का खतरा होता है। ये बात समझ रहे हैं ना? जी सर, तो आप एक ऑडिट फर्म है और आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है जिससे इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस वॉयलेट हो रहे हैं, तो मसला तो फिर भी बनेगा। उसके लिए फिर उन्होंने, अब जो एक लेटेस्ट एजेंट ये होता है नोविक, नोविक मेरे ख्याल से एक एजेंट है जिसका वो कहते हैं कि तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी मसला नहीं होता और वो ओजोन डिप्लीशन के ऊपर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो नोवेक है, ये नोवेक के बारे में पढ़ लेना। आगे चलो। वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान इज, सी तो हो नहीं सकता, डी इट्स है डी, सो डी, बिल्कुल, डिजास्टर रिकवरी। क्योंकि ऊपर वाले दो लोगों को फायदा ही नहीं है और सी डी में कवर हो जाता है। 96 पे आ जाओ।
NIS IT auditor is not responsible for. हाँ जी, not responsible for. एक मिनट सर, बी. वैसे तो giving internal and email पहला वाला ऑप्शन ठीक है सर, incomplete है. बी आएगा, बी not responsible. पहला वाला जो है जी जी बिलाल, पहला वाला जो है ना उस वो भी इनकम्प्लीट जुमला लिखा हुआ है इन्होंने. इंटरनल कंट्रोल के लिए क्या मतलब, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, असेसमेंट है, व्हाटएवर, तो पहला तो इनकम्प्लीट है तो इसलिए पहले का भी कोई फायदा नहीं है. दूसरा जो है वो तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है. तो ये तीसरा और चौथा, अच्छा नॉट रिस्पॉन्सिबल है ठीक है, तो फिर सर, दूसरा ही सबसे ज्यादा इररिलेवेंट है दूसरा. जी अस्सलाम वालेकुम बी सर. है. वालेकुम सलाम बिलाल. हाँ जी, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इसका. हाँ जी, बी ऑप्शन है बिल्कुल. 96 प्लस 97 जी. हाँ जी, ये बताएं वर्क सिस्टम फ्रेमवर्क का करेक्ट ऑर्डर क्या है. कस्टमर प्रोडक्ट एंड सर्विस और बिजनेस प्रोसेस. डी सर. की कौन सा ऑप्शन सर? डी है ना. कौन सा? डी है सर, कस्टमर प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस प्रोसेस. हाँ जी, ऊपर वाले तीन में से कोई भी जो है करेक्ट ऑर्डर नहीं है. ये टॉप डाउन है, इसका मतलब है कि ये अगर पैरामिड देखें तो ये टॉप डाउन आएगा, लेकिन एक्चुअली फ्लो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. बिजनेस प्रोसेस से प्रोडक्ट सर्विसेज मिलती हैं और वो कस्टमर को डिलीवर होती है ना. और बिजनेस प्रोसेस को चलाने के लिए तीन कंपोनेंट्स कौन से अहम है, तीन अहम कंपोनेंट्स बिजनेस प्रोसेस को चलाने के लिए तीन अहम कंपोनेंट्स कौन से हैं? ऑटोमेशन सर. नो. ईआरपी. नो. हवा में तो क्या मत चलाओ सर. उसमें भी तो यही आएगा ना फिर, वो पॉलिसी वगैरह. नहीं नहीं, पॉलिसी वगैरह सर. रिसोर्सेज. रिसोर्सेज. ओके राइट. किस तरह के रिसोर्सेज? पॉलिसी. रिसोर्सेज देखो, तीन चीजें चाहिए, लोग चाहिए कि नहीं चाहिए सर? ये तो ये रिसोर्सेज में आ गए. प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल्स चाहिए. प्रोफेशनल्स को डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए बिजनेस प्रोसेस को चलाने के लिए? डेटा चाहिए. तीसरी बात क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्लस रिसोर्सेज चाहिए, और प्लस मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसका मतलब यह है कि वो जितने भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसोर्सेज होंगे उतना ही अच्छा होगा. तो अगर मैं कस्टमर एंड कस्टमर्स को, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, बिजनेस प्रोसेस को, प्रोफेशनल्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट को, डेटा को और रेगुलेटरी लीगल एंड रेगुलेटरी लॉस को एक जगह पे यकजा कर दूं, तो वो जो फ्रेमवर्क बनेगा और वो जो बिजनेस प्रोसेस अगर वो टोटली इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड हो, तो फिर उस सिस्टम को क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे. ये भी हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं. आगे चलते हैं. 98 पढ़ो. इन एडिक्वेट यूज ऑफ एसटीएलसी मेथोडोलॉजी रिजल्ट्स इन. सर इसके दूसरे वाले ऑप्शंस बताएं ना, नीचे वाले. पढ़े. अच्छा सॉरी, पहला और आखिरी तो ये सही नहीं है. अच्छा डिफरेंट है. प्रोजेक्ट गो लाइव टास्क नहीं है, हाई रिस्क होगा सर. हाई रिस्क. इन एडिक्वेट यूज ऑफ एसडीएलसी मेथोडोलॉजी का सिंपल ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं. लो रिस्क हाई रिस्क की बात ही नहीं हो रही. रिस्क रिस्क है, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा. ओके आगे चलो. 99 The third and sixth layer of OSI model are option C, network and presentation. C and network and presentation. ठीक है. Application layer कौन सी layer होती है? पहली होती है या सातवीं होती है? सातवीं. सातवीं होती है. Yes. और पहली layer कौन सी होती है? Physical layer होती है. Physical. ऊपर से जब हम आते हैं तो user application layer से deal करता है या physical layer से deal कर रहा होता है? ऊपर से सर.
सर एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर से, एप्लीकेशन से करेगा। बिलाल तुम एम्पायर हो, तुम क्वालिफाई कर चुके हो, तो तुम अभी खामोश हो, कोई सवाल नहीं करेगा, फिर तुम जवाब दोगे अभी बाद में जवाब। ओके ओके सर। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक और बात, आईपी लेयर किस लिए, आईपी एड्रेस जो है वो किस लेयर पे लगता है सर? सेशन लेयर में, नेटवर्क लेयर पे। अभी बताया था नेटवर्क डायग्राम देखोगे तो आईपी एड्रेस देखोगे, तो नेटवर्क लेयर पे लगेगा या सेशन लेयर पे लगेगा? अच्छा ये जो लेयर्स जितनी यहां लिखी हैं, इसमें कौन सी लेयर मिसिंग है? सर इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं, वो है सॉरी, इसमें डेटा लिंक लेयर जो है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है वो ही नहीं है। अच्छा एरर डिटेक्शन और करेक्शन किसका काम होता है सर? अगर वो एंड टू एंड है तो ट्रांसपोर्ट का, और अगर बिटवीन है तो वो डेटा लिंक लेयर का होता है। नहीं, एंड टू बिटवीन है तो वो डेटा का है, और एंड टू एंड है तो ट्रांसपोर्ट का नहीं है, प्रेजेंटेशन लेयर का। फ्लो कंट्रोल किसका काम होता है? ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल करना किसका काम है? सेशन लेयर का, क्योंकि वो सेशन को डिफाइन करता है कि किस पाथ पे जाएगा। तो नो, बिल्कुल नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करना। अच्छा इसी तरह अगर कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करनी है तो आप किस लेयर पे करेंगे? बताओ सर। फंक्शनल होगी, फंक्शनल लेयर कौन सी लेयर होती है? ओ सॉरी सॉरी, वो आपने लिखवाया था ना, तो मैंने वो वैसे ही लिखा हुआ था। एक मिनट, एक मिनट लें, बाकी बताओ, कोई और बताए सर? नेटवर्क नहीं सर, डेटा लिंक लेयर पे लग रहा है। एप्लीकेशन लेयर पे भाई, एप्लीकेशन लेयर पे नहीं, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे, यूजर का सिर्फ एक ही लेयर से ताल्लुक है और वो है एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद तो यूजर का ताल्लुक खत्म हो जाता है, बाकी तमाम लेयर्स इंटरनल एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। सर ये जो एंड टू एंड कंट्रोल है, ये बुक में उन्होंने ट्रांसपोर्ट लेयर पे लिखा हुआ है। एंड टू एंड कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, लेकिन उस पे जो एरर डिटेक्शन है ना, एरर डिटेक्शन, वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। ठीक है सर, ओके। अच्छा ट्रांसपोर्ट लेयर के, ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर आपने एक्नॉलेजमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे? रिलायबल कम्युनिकेशन करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिकमेंडेड है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सवाल क्या पूछा है मैंने? मैंने सवाल क्या पूछा है सर? ये तो हालात है, सवाल ही भूल गए, जवाब दे दिया बगैर सवाल सुने। सर आपका ग्रैंडियर ही इतना, आपकी आवाज से सारा कुछ भूल जाता। मैं कौन सा यहाँ पे वो क्या कहते हैं मिसाइल लेके बैठा हूँ भाई, मैं कौन सा दरार? तुम लोगों को मुलाकात ही नहीं हुई सर। SSL यूज करेंगे, सिक्योर सॉकेट लेयर। सवाल बताओ पहले, सवाल क्या बोला है मैंने? सर सिक्योर ट्रांजैक्शन शायद आपने, मैं कह रहा हूँ सवाल बताओ, मेरा सवाल रिपीट करो। मैंने सवाल क्या पूछा है ये तो बता दो। सर आपने पूछा कि रिलायबल कम्युनिकेशन किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगी?
हाँ, मैंने सवाल ये पूछा था कि अगर तुम्हें रिलायबल कम्युनिकेशन यूज करनी है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करोगे या रिकमेंड करोगे, वो है टीसीपी प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही प्रोटोकॉल चलते हैं, या तो टीसीपी चलता है या यूडीपी चलता है। अब तुम लोग हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक जूम की एप्लीकेशन बनाई है, मैं तुम्हारा ऑडिटर हूँ, तुम आते हो जूम के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं कि जूम के ऊपर तुम लोगों ने क्लासेस लेक्चर्स को डिलीवर करना है। अब जूम के ऊपर आपको दो ऑप्शंस हैं, दो रिक्वायरमेंट्स हैं या दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप सिक्योरिटी ले सकते हैं या आप फास्ट कम्युनिकेशन ले सकते हैं। अगर आप फास्ट कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करोगे तो सिक्योरिटी थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज होगी। अगर सिक्योरिटी को फोकस करते हो उस सूरत में आपकी जो ट्रांसमिशन टाइम है उसमें थोड़ा बहुत डिले आएगा। टेक्निकल वर्ड्स में उसको हम कहते हैं जिटर, JITTER, जिटर आएगा, डिले आएगा। अब अगर मुझे डिले नहीं चाहिए, डिले मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूं, तो मैं TCP यूज करूंगा या मैं UDP यूज करूंगा? टीसीपी होगा सर, ना? टीसीपी जो है वो रिलायबिलिटी के लिए होते हैं, तो आप टीसीपी को यूज करेंगे ना फिर तो, अगर आपको डिले नहीं चाहिए तो। डिले नहीं चाहिए, मैंने कहा अभी बताया कि अगर डिले होगा, डिले का मतलब देखो दो चीजें हैं, एक होता है फास्ट कम्युनिकेशन, एक होती है रिलायबल कम्युनिकेशन। रिलायबिलिटी का मतलब दो होते हैं, याद रखना। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप, रिलायबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि फास्ट कम्युनिकेशन, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि डिलीवरी ऑफ द पैकेट इज गारंटेड, ठीक है? तो पैकेट की गारंटेड डिलीवरी को हम रिलायबिलिटी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रिलायबिलिटी में दूसरी बात क्या होती है कि पैकेट जो है वो जिस ऑर्डर में जाएंगे उसी ऑर्डर में रिसीव भी होंगे, रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी के दो मतलब होते हैं, सीक्वेंसिंग फ्लो, सीक्वेंस फ्लो, और दूसरी बात क्या है, गारंटेड डिलीवरी। तो अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए, जिसके दो मतलब थे फर्दन, क्या था कि गारंटेड डिलीवरी चाहिए प्लस सीक्वेंस ऑफ फ्लो ब्रेक ना हो, तो आप टीसीपी यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन फास्ट चाहिए, आपकी अहम तरजीहात में से जो अहम आपकी प्रायोरिटी है वो ये है कि कम्युनिकेशन में डिले ना आए। डिले का मतलब ये नहीं होता कि गारंटेड डिलीवरी, डिले का मतलब है कम्युनिकेशन फास्ट हो, रैपिड हो, तो फिर आप कौन सी प्रोटोकॉल यूज करेंगे? यूडीपी। यूडीपी यूडीपी से बनता क्या है? यूडीपी से है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जी। हाँ जी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके गुड। ओके, अब आपने घर पे वायरलेस कनेक्शन लिया हुआ है, तो वाईफाई या वायरलेस कनेक्शन, जो वाईफाई इंटरनेट आपने लिया हुआ है, उसकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे? सर इन्हीं दोनों में से पूछ रहे हैं, नहीं, इसके अलावा पूछ रहे हैं। अच्छा जब अगला सवाल है मेरा। ओके ये तो यार जब तुम लोग यूज करते हो तो सबसे पहले आ जाता है, ये याद रखो। चलो अब लिख लो अपने पास। सबसे पहले जब आप, जब भी वायरलेस सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो जब सबसे पहला प्रोटोकॉल आया था उस प्रोटोकॉल को कहते हैं वेप, WEP। क्या कहते हैं? WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। हेलो,
जी सर, नोट कर लिया। ओके, उसके बाद आया WPA, फिर आया WPA2, और फिर आया WPA3। WPA, WPA2, WPA3 ये तीनों एक दूसरे के सक्सेसर्स हैं। इसमें W से बनता है वाईफाई, P से बनता है प्रोटेक्टेड, A से बनता है एक्सेस। इस वक्त जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल है वो कौन सा प्रोटोकॉल है? WPA3। और जो WPA3 है वो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज करता है, और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है उसका मशहूर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा मैंने बताया था? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का स्टैंडर्ड साइफर कौन बताया, कौन सा बताया था मैंने? सर हैशिंग। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का स्टैंडर्ड साइफर कौन सा बताया था मैंने? इन साइफर किसको कहते हैं? सर वो जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है उसको। हाँ जी, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है उसको हम साइफर कहते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि जो आपकी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, स्टैंडर्ड साइफर कौन सा है? डेस बताया था ना, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ट्रिपल डेस, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES, ये बताए थे ना मैंने, लिखे हुए थे उस दिन, डॉक्यूमेंट भी खोला था मुझे याद है। यस सर, बताए थे। तो ये याद रखने के लिए बताए थे भाई। और ये जो है आपका WPA3 जो कि लेटेस्ट है, इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? AES 256, ये लिख लो AES 256। और AES कौन सा है? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। WPA3 ने किसको रिप्लेस किया? WPA2 को सर। और WPA2 ने किसको रिप्लेस किया? WPA3। WPA। और WPA ने किसको रिप्लेस किया? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी को। जी, वेब को, शुक्र है। अच्छा, ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं ये खास किस्म के स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करते हैं। उस स्टैंडर्ड का नाम है IEEE 802.11। IEEE 802.11 इसका मतलब है कि जब आप वायरलेस सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप उसे पूछेंगे कि भाई तुम वाईफाई की सिक्योरिटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। अगर वो कहता है कि जी मैं WPA यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेंगे कौन सा वर्जन, तब उसको समझ आएगी यहाँ ये ऑडिटर अपडेटेड ऑडिटर है। फिर आप उसे पूछेंगे WPA यूज कर रहे हो, WPA2 यूज कर रहे हो या WPA3 यूज कर रहे हो। फिर आप उससे पूछेंगे तुम उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, AES। और उसमें की कितने बिट की बताइए मैंने? 256 बिट्स। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात कि WPA के अंदर जो है वो इंटेग्रिटी भी यूज होती है, और इंटेग्रिटी का जो पुराना प्रोटोकॉल मैंने बताया था वो कौन सा था? लेटेस्ट प्रोटोकॉल तो मैंने कल बताया ना, कौन से बताए? इंटेग्रिटी चेकिंग के लिए MD5 बताया था ना, SHA-256, SHA-128, और पुराने प्रोटोकॉल कौन से थे? सबसे पुराना प्रोटोकॉल कौन सा था? CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। याद रहेगी बात? तो WPA और WEP में जो दो बुनियादी डिफरेंसेस थे वो ये थे कि WPA के अंदर इंटेग्रिटी थी, और इंटेग्रिटी किसके थ्रू वो यूज कर रहे थे? MD5 के थ्रू। जबकि WEP के अंदर जो इंटेग्रिटी थी वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू परफॉर्म कर रहे थे? CRC के थ्रू। जी सर।
बल्कि इसको यूं लिखें आप कि जो WPA के अंदर एक और प्रोटोकॉल है वो लिखें TKIP, टेम्पोरल की इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल, टेम्पोरल की इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल लिखें इसको, टेम्पोरल की इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल। तो WEP के अंदर इंटेग्रिटी चेकिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे? CRC। लेकिन WPA के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? TKIP, टेम्पोरल की इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल। WEP में CRC है और WPA में TKIP है। कुछ बात समझ आई? सर याद करनी पड़ेंगी जी, जाहिर बात है इसलिए तो बता रहा हूं। नहीं ये तो याद रखोगे ना कि वाईफाई को रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के लिए वायरलेस सिस्टम में कौन सा प्रोटोकॉल है? WPA, WPA आगे भी तो बताओ, WPA 3। आ रही बात समझ? जी सर, जो वायरलेस डोंगल आते हैं जो अल्फा जिसको कहते हैं उस पे भी लिखा हुआ होता है 802.11n। हाँ तो ये वायरलेस आपका ये है ना, जो वायरलेस क्या कहना चाहिए, वायरलेस इंटरनेट होता है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है वो 802.11 है। हर टेक्नोलॉजी का ना एक स्टैंडर्ड है, अगर आप उस टेक्नोलॉजी से हटके करेंगे तो आप कभी भी उस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट नहीं कर पाते। तो आपको इस इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लायंस करना पड़ता है। क्लियर होगी बात? जी सर। ओके अच्छा, अब एक और बात, WPA 3 में ये सिक्योरिटी हम क्यों इंप्लीमेंट करते हैं वाईफाई में? ताकि नेटवर्क हैक ना हो जाए हमारा। यस, और नेटवर्क हैक करने के लिए उसको क्या चीज हैक करनी पड़ेगी? पासवर्ड वाईफाई का। यस, पासवर्ड अटैक करना पड़ेगा। और वो जो शख्स पासवर्ड को अटैक करेगा वो बेसिकली किसके दरमियान अटैक कर रहा होगा, किसके दरमियान होगा? हमारे और हमारे नेटवर्क के दरमियान। तो उसको क्या बोलेंगे जब वो अटैक करेगा? मैन इन, सर जिसने अटैक किया है उसके कॉन्टैक्ट। हाँ, क्या बोलेंगे? मैन इन मिडल अटैक। ठीक है ना। अच्छा, पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए कौन सा अटैक होता है जिसमें वो तमाम पॉसिबल आप पासवर्ड अप्लाई करते हैं? सर ब्रूट फोर्स अटैक, BFA। ओके, BFA करने से पहले भी अब इंटरनेट के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे मोस्ट लाइकली पासवर्ड्स मिलते हैं इंटरनेट पे। मुख्तलिफ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको कहती हैं कि भाई आप ये वाली हमसे डिक्शनरी ले लें, इसमें से पासवर्ड लगा लें, बजाय इसके कि BFA अप्लाई करें तो ये डिक्शनरी ले लें, इसमें से जरूर वो पासवर्ड होगा। तो जब हम डिक्शनरी ले लेते हैं तो उसको कहते हैं डिक्शनरी अटैक। बात समझ आई? सर ये डिक्शनरी अटैक मतलब कि क्या उसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे पासवर्ड की? क्या चीज? सर ये जो डिक्शनरी अटैक कह रहे हैं आप, इसमें मतलब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे पासवर्ड के? उसमें मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स होंगे, मोस्ट लाइकली सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स होते हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाए होते हैं। समझ आ गई बात की? जी सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, इसको तो खत्म करें ना। बताओ, चलो ये 100 हो गया, 100 बताओ क्या है?
Dash is not part of the IT governance framework. आंसर भी बताऊं? मतलब ये तीसरा वाला नहीं है, बाकी सब है जी। अच्छा, तीसरे वाले में भी उन्होंने गलती क्या की हुई, ये कंप्रोमाइज रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, वरना आईटी गवर्नेंस में ये सब चीजें होती हैं। आईटी गवर्नेंस में पांच प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है वैल्यू डिलीवरी जो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ये लिखा हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट होती है और रिसोर्स मैनेजमेंट होती है। चार तो ये हो गए, फिफ्थ कौन सा था? स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट लिख लेंगे अपने पास। आईटी गवर्नेंस के पांच बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनमें से भी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है वो लिख लें आप। नंबर वन, मैं आपको नंबरिंग सीक्वेंस भी लिखवाता हूँ, इन पांचों में सबसे सीक्वेंस में कौन सा आता है, नंबर वन पे लिखें स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट किस चीज की? आईटी गवर्नेंस का मतलब क्या है? आईटी गवर्नेंस का मतलब ये है कि किसी भी एंटरप्राइज के अंदर जब आईटी पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो उस इन्वेस्टमेंट से उस, ये यूं समझो कि आईटी गवर्नेंस का मतलब ये है, मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूँ फिर मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर सिर्फ ऑटोमेशन हो और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ना हो तो उससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा, ठीक है ना? तो आईटी गवर्नेंस भी यही कहती है कि भाई जब तुम आईटी पे इन्वेस्टमेंट करो, जब तो आईटी पे इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ ऑटोमेशन नहीं लाओ, ऑटोमेशन भी लाओ, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी करो, जिससे हमारी प्रोडक्ट्स भी बेहतर हो, हमारी क्वालिटी भी बेहतर हो, हमारे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल भी बेहतर हो, हमारा बिजनेस एक्सपेंड भी करे, रेवेन्यू में भी एक्सपेंशन हो, आपके एक्सपेंडिचर रिडक्शन भी हो, आपके प्रोडक्शन साइकिल्स भी रिड्यूस हो, आपकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी ऑप्टिमाइज हो, आपके डिलेज भी खत्म हो। तो आईटी का ये मतलब है एक्चुअली। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर जगह आईटी का मतलब होता है लैपटॉप दे दिए, सॉफ्टवेयर आ गया, हर चीज मोबाइल पे हो जाएगी आईटी। नो, दिस इज नॉट आईटी। आईटी गवर्नेंस ये कहती है कि किस तरीके से आईटी को यूज किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को वक्त से पहले बेहतर से बेहतर तरीके से अचीव कर सके, और आईटी से क्या हो उसके रिस्क कंट्रोल हो, क्या हो उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन बेहतर हो, क्या हो उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में फैसिलिटेशन हो, उसके रिस्क कम हो, उस बिजनेस के थ्रेट्स कम हो, वहां प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, प्रिडिक्टेबिलिटी बेहतर हो, बिजनेस इंटेलिजेंस आए, गुड डिसीजन मेकिंग हो, ये फायदे हैं आईटी गवर्नेंस के। कुछ बात समझ आ रही है? ये कौन है आईसीएम में पाकिस्तान ऑनलाइन एफएसडी क्लास वन? अरे भैया समझ आई कि नहीं आई? तुम जब मैं बोलता हूँ तुम लोग तो ऐसे सहम जाते हो जैसे पता नहीं मैंने क्या किए। ये सर आई, समझ आई? यस सर आई है समझ। ओके गुड। अच्छा जी, अब सवाल पूछो कोई। अब आप लोगों के सवाल का सेशन, फिर मैं सवाल पूछूंगा। सर सर बुक में ना आईपीएस के आगे थ्री अप्रोचेस लिखी हुई थी, वो जरा एक्सप्लेन कर दे। भाई मेरे पास तुम तीन अप्रोचेस बता दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतनी मेहरबानी कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ। एक थी सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन,
वो तो आपने बता दी थी, वो हमने आईडीएस में भी पढ़ी थी एंटीवायरस में. एक स्टैटिस्टिकल अनोमली बेस्ड डिटेक्शन, स्टैटिस्टिकल अनोमली बेस्ड, ये भी मैंने बता दी थी. अनोमली बेस्ड भी मैंने बताई है, बताई है ना. अनोमली बेस्ड कौन सी, बाकी बोले, बाकी ऐसे खामोश हो जाएंगे जैसे कि बताई नहीं किसी भी मैंने. अनोमली नहीं बताया मैंने. जी सर बताया था. क्या होता है अनोमली बताओ जरा. सर उसमें आपने बताया था कि हम लोग एक लिस्ट बना देंगे गुड पैटर्न्स की, तो फिर डिटेक्ट किया जाएगा कि जो आईपी आया क्या वो गुड है या बैड. उसमें अगर एग्जिस्ट करता है तो वो गुड है, अगर नहीं करता तो मतलब वो फिर बैड डिटेक्ट हो रहा है, उस पे वो गुड ट्रैफिक नहीं है, वो अनोमली होगी. एनीथिंग एनीथिंग डेविएटेड फ्रॉम स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल का लिखवाया था लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी. वो अनोमली बेस्ड ही तो होता है ना. अच्छा अच्छा ठीक. एनीथिंग डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल थिंग्स, ये स्टैटिस्टिकल हो गया ना. स्टैट्स क्या आ रहे हैं उससे हटके होगा, डेविएशन होगी तो अनोमली है. ठीक हो गया सर. तीसरा बोलो. सर तीसरा है स्टेटफुल प्रोटोकॉल एनालिसिस. अब ये जो आप डेविएशन वाली बात कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटफुल प्रोटोकॉल एनालिसिस में. स्टेटफुल प्रोटोकॉल एनालिसिस डिटेक्शन फायरवॉल की बात है, ये तो आईडीएस में तो नहीं है सर. ये आईपीएस में आगे उन्होंने तीन अप्रोचेस में लिखा हुआ है बुक में, कप्लान की बुक में. और उसमें क्या लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल में सर? उसमें उन्होंने बैंडविड्थ के बारे में कुछ बताया हुआ है. A statistical anomaly based IDA IPS determines the normal network activity, like what sort of bandwidth is generally used, what protocols are used, what ports and devices generally connect to each other and alert the administrator. ये वही बात कर रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ कि normal pattern हो आप बता देते हैं, ठीक है ना. Normal for example, अब मैं normal pattern क्या है, normal pattern ये है कि मेरे घर में या मेरे office में for example रोजाना की 200 MB कंज्यूम होती है, लेकिन अगर एक दिन और पर आवर जो है फॉर एग्जांपल 10 एमबी यूज होती है, लेकिन अगर आज के दिन 200 के बजाय 2000 एमबी कंज्यूम हो रही है तो उसका मतलब ये भी एबनॉर्मल चीज हो गई ना, रूटीन से हटके हो गई. देखो जब आप एक ऑफिस में, एक ऑफिस में 30 दिन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लो तो अगले 30 दिन भी तो उसी तरह ही होते हैं अमूमन जो कि पहले 30 दिन होते हैं. मोर और लेस कोई प्लस माइनस 10 का डिफरेंस आ रहा होगा, ऐसे ही है ना. Yes, sir. लेकिन अगर डिफरेंस 100 पे आए तो क्या है, anomaly है. तो ये स्टैटिस्टिकल यही है कि भाई मैं पिछले साल के तमाम जो रिसोर्स कंजम्पशन है, मैं पिछले साल के तमाम, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने ऑफिस में क्या किया हुआ, मुझे पता है कि जी पिछले साल के ये ऑफिस, अब ये साल कंक्लूड हुआ ना तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले पूरे साल की जितनी भी रिसोर्सिस की कंजम्पशन थी ना उसका एक डाटा बना लिया कि यार बैंडविड्थ कितनी यूज हुई नंबर वन, ठीक है, पेपर कितने यूज हुए, अच्छा डाउनलोड कितना बैंडविड्थ हुई, अपलोड बैंडविड्थ कितनी कंज्यूम हुई, कितनी ईमेल्स हुई, ठीक है, अच्छा कितनी फाइल्स हमारी अपलोड हुई, कितनी फाइल्स हमारी डाउनलोड हुई, फाइल्स में भी कौन कौन सी फाइल्स, मीडिया फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल की फाइल कितनी कितनी डाउनलोड हुई, ठीक है ना, अच्छा कितने लोगों ने ब्राउजिंग की, लोगों ने कितनी दफा ब्राउजिंग पर डे कितनी दफा की, एवरेज टाइम लोगों का पर ब्राउजिंग कितना था, कौन कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा यूज. अब अगर मैंने इतने बेशुमार स्टैट्स इकट्ठे कर लिए, अगले साल ये जो रनिंग साल है अब मैं उसमें ये स्टैट्स डाल दूंगा, उससे पिछले साल की भी स्टैट्स हैं. अब अगर जो इस साल अगर कंजम्पशन हुई है फॉर एग्जाम्पल 7000 MB, तो अगर पहले महीने में कंजम्पशन, इसका मतलब है कि पूरे साल में 7000 MB कंज्यूम हुई है, तो एक साल के अंदर या सॉरी एक माह के अंदर कितनी कंज्यूम हो रही होगी, 7000 को डिवाइड कर लो 12 से. अब अगर वो कंजम्पशन इस महीने की कंजम्पशन उस एवरेज बकेट से ऊपर चली जाती है, अब ये क्या है, अनोमली. ओके, ये अनोमली, ये अनोमली कैसे हुई कि मैंने पिछले पूरे दो साल का क्या निकाला, दो साल का स्टैट्स निकाल लिया था ना. यस, ये स्टैट्स से हुई ना, तो यही चीज अनोमली. तो ये जो तुम कह रहे हो ना जो किताब में लिखा है, उन्होंने स्टैट्स बेस एनोमली लिखा होगा, उसको वो यूं कह रहे हैं. और वो जो स्टेटफुल इंस्पेक्शन है ना, वो पढ़ो क्या लिखा है उसमें, फिर उन्होंने गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर का कहा होगा.
यस सर, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एक हम लिस्ट डिफाइन कर देते हैं प्रोडिटेड प्राइम प्रोफाइल्स की, ठीक जो आपने बताई थी बात हुई, तो वही बात है जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनॉमली मैंने बताया था कि दो तरह से होती है, या तो स्टैट्स की जो अभी मैंने बता दी, स्टैट्स की बेसिस पे इनॉमली होती है, और दूसरा मैंने बता दिया गुड और बैड बिहेवियर की बेसिस पे होती है, ठीक है। यस सर, ओके। इसी तरह जो फायरवॉल्स हैं उनकी भी फिल्टरिंग की टेक्निक्स हैं, ये मैं बता दूं, ये लास्ट टाइम नहीं बताया था। एक होती है आपकी आईपी फिल्टरिंग, कि वो आईपी बेस्ड फिल्टरिंग कर रहे होते हैं। दूसरी होती है पैकेट फिल्टरिंग, कि वो पैकेट की टाइप या जो आपकी डाटा ट्रैफिक है उसकी बेसिस के ऊपर फिल्टरिंग कर रहे होते हैं। ये भी शायद फायरवॉल के अंदर आ रही हो, फायरवॉल फिल्टरिंग के, फायरवॉल के टॉपिक में बुक में लिखी भी हो, ठीक है। तो आपने जो चीजें याद रखनी है वो लिख लें अपने पास, लिख लो। ये एक फायरवॉल होती है जो कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है, ठीक है। ये जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है ये नेटवर्क लेयर पे चल रही होती है, ये भी दूसरा पॉइंट लिख लो, क्योंकि पेपर में ये इन्हीं में से बातें आ सकती हैं, और कोई बात नहीं पूछ रहा हूं। तीसरी बात वो ये कि ये जो पैकेट फिल्टरिंग होती है ये डिसीजन जो लेती है किसी पैकेट को अलाउ या डिनाई करने का, वो लेती है आईपी एड्रेस या पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल। पैकेट बेस्ड बता रहे हैं क्या, आईपी बेस्ड? मैंने फायरवॉल की टाइप्स बताई पहले, फायरवॉल टाइप मैं बता रहा हूँ पैकेट फिल्टरिंग। अभी सिर्फ ये लिखो, लिख लिया। अब मैं बता रहा हूं कि जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है उसका फिल्टर क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया कि उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि हमें पता हो ये किस लेयर पे चलती है। तो ये किस लेयर पे चलती है, नेटवर्क लेयर पे चलती है। ओएसआई के कौन से लेयर पे चलती है, नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे चलती है, पहली बात। दूसरी बात लिखो, ये जो फिल्टरिंग करती है वो किस बेसिस पे करती है, ये लिखो। आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल। अच्छा, अब दूसरी टाइप लिखो फायरवॉल की, वो लिखो स्टेटफुल फिल्टरिंग। स्टेटफुल, इसको इसके दो नाम है, एक ही चीज के दो नाम है। इसको कहते हैं, बाज़गत लोग कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल, या इसको कहते हैं स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल। और कुछ लोग इसको, पहली वाली टाइप कौन सी थी, पैकेट फिल्टरिंग, यस, इसको डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग भी कहते हैं फिलहाल ये, लेकिन ये तीनों नाम है ये याद रखना है। लेकिन सिर्फ पैकेट फिल्टरिंग होगी तो वो पैकेट फायरवॉल है जो मैंने पहले बताई थी। अच्छा, ये क्या करती है, ये जो आप जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये उनकी सेशन की इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है। और सेशन की बेसिस पे डिसाइड करती है कि मैंने किसी पैकेट को अलाउ करना है या नहीं करना है। बस आप इतना ही याद रखें, सेशन, या उसको लिख लें नेटवर्क कनेक्शंस।
तीसरी लिखें एप्लीकेशन फायरवॉल, ये एप्लीकेशन लेयर पे चलती है। इनको कुछ लोग नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल भी कहते हैं। सर एप्लीकेशन और ये और हाँ एप्लीकेशन फायरवॉल को कहते हैं सर नेटवर्क एप्लीकेशन फायरवॉल को जी। और ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज की बेसिस के ऊपर या कॉन्फ़िगर्ड पॉलिसीज की बेसिस के ऊपर फिल्टरिंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल बता देता हूं। अब ऑफिस में फेसबुक अलाउ नहीं होती ना, या यूट्यूब अलाउ नहीं होती, इसका मतलब है क्यों अलाउ नहीं होती? क्योंकि जो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है या जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लोग हैं, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने एप्लीकेशन फायरवॉल के ऊपर ये क्राइटेरिया लगाया होता है कि यूट्यूब की कोई ट्रैफिक या व्हाट्सएप की ट्रैफिक या किसी और सोशल मीडिया की ट्रैफिक इस नेटवर्क के एक्सेस पॉइंट से अंदर ना आए। तो इस तरह की फायरवॉल जो हैं कि जब ऑफिसेस में या यूनिवर्सिटी के अंदर हम यूट्यूब व्हाट्सएप ट्विटर सोशल मीडिया इस न्यूज़ चैनल्स इस तरह की ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, तो फिर ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं ये किस पर्टिकुलर या किसी वेबसाइट को, कोई वेबसाइट्स हैं उनको हमें एक्सेस नहीं करना है, इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हम लगाते हैं उसके लिए हम कौन सी फायरवॉल यूज करते हैं, एप्लीकेशन फायरवॉल यूज करते हैं। अच्छा जी, ये भी हो गया काम आपका। अच्छा जी, और कोई सवाल? सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको एक खास किस्म की फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करे, जैसे विनजिप, विनआरआर, ये जो जिप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो आप कोई फाइल मीडिया फाइल है उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, कन्वर्टर्स जो होते हैं उनको बेसिकली फिर हम यूटिलिटीज कहते हैं। सर ये स्काइप भी यूटिलिटी में आता है ना? हाँ स्काइप भी यूटिलिटी में आता है, क्योंकि ये बेसिकली यूटिलिटी कम और कम्युनिकेशन, इसमें एक चीज तो नहीं है ना, इसमें तो बड़े काफी ज्यादा फीचर्स हैं, इसलिए इसको यूटिलिटी कम कहेंगे, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ज्यादा कहेंगे। यूटिलिटी का मतलब होता है सिर्फ एक चीज दे रहा हो, एक काम कर रहा हो। स्काइप तो कई काम करता है, चैटिंग भी अलाउ करता है, ग्रुप कन्वर्सेशन भी करता है, वॉइस कॉल भी है, वीडियो कॉल भी है, तो हम इसको यूटिलिटी कहना मेरे ख्याल से उसकी ताजीम के खिलाफ है। आगे चलो सर, ऑडिट ट्रेल क्या होता है? लो सर, ऑडिट चेकलिस्ट को ही कहेंगे ना ऑडिट ट्रेल, या ऑडिट चार्टर को कहते हैं? वो कौन है ये कांग नहीं, वो फूड अथॉरिटी वाली खातून? वो क्या नाम था उनका, ठहरो मैं देखूं, तेरीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी तेरीन, हाँ जी, और कौन जवाब देगा ऑडिट ट्रेल क्या होता है? सर ऑडिट ट्रेल यानी कि आपने प्रूफ होता है ना कि पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है ऑडिट की, कि आपके पास उसका प्रूफ रहे कि आपने ऑडिट कराया था। क्या किया दोबारा बताओ?
सर ये जो ऑडिट ट्रेल होती है बेसिकली ये जो हमारे सिस्टम में जो भी एक्शन लिया जाता है, मतलब कि हमारा कोई भी जो एम्प्लॉय है वो क्या क्या कर रहा है, उसकी सारी एक बैकग्राउंड पे डिटेल जा रही होती है। जैसे कि क्विक बुक्स में एक पूरी एक ऑडिट ट्रेल होती है कि आपने ट्रांजेक्शन लिखी फिर इसे रिमूव किया, इवन कि आप उसे डिलीट भी कर देते हो तब भी उसकी भी ऑडिट ट्रेल होती है। तो फिर ऑडिटर आके फिर ये ट्रेल देखते हैं कि क्या क्या हुआ है सिस्टम में। ऑडिट ट्रेल बेसिकली एक होता ना, जब हमने, मैं आपको बताता हूँ, ऑडिट ट्रेल बेसिकली यूं समझो कि जब एक ट्रांजैक्शन ट्रिगर होती है और ट्रांजैक्शन ट्रिगर होने से लेकर और ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, तो मैंने उसके लिए लव्ज इस्तेमाल किया था, उसको क्या कहते हैं? कमिट। हाँ कमिट सर, शायद कमिट था। कमिट, एक्सीलेंट, कमिट, जब ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है, ठीक है। तो फिर मैंने ये कहा था कि जब, अच्छा, इस ट्रांजेक्शन इनिशिएट होने से लेकर उसकी जो इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग है वहां से होते होते उसकी कमिट होने तक जितने भी स्टेप्स, प्रोसेसिंग स्टेप्स हमने परफॉर्म किए होते हैं, हम उनका डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करते हैं या वो सिस्टम मेंटेन करता है ऑटोमेटेडली। और वो जो रिकॉर्ड होता है वो अमूमन टाइम बेस्ड होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। इसका फायदा होता ये है कि अगर कोई ऑडिटर ये पूछ ले आपसे कि यार ये जो ट्रांजेक्शन, जब वो तो तब आएगा जब ट्रांजेक्शन हो चुकी होगी, जब वो आपसे ये पूछे कि यार ये जो ट्रांजेक्शन हो गई तो मुझे इसका स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड दिखाओ जो कि मुझे इसकी एंड से लेके इसकी सोर्स तक ले जाए, तो वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, एंट्रीज, फॉर्म्स, रिकॉर्ड्स, कोई इवेंट्स जो कि आप आखिर से लेके शुरू तक दिखाते हो ताकि आप अपनी ट्रांजैक्शन के सोर्स तक पहुंच जाओ और उसके होने का सबूत दे दो, इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल, इसको ऑडिट लॉग भी कहते हैं। और जब हमारी कंप्लाइंस टेस्टिंग फेल हो जाए और हम सबस्टांसिव टेस्टिंग की तरफ जाएं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर हम किसी ट्रांजैक्शन को एज अ सैंपल सेलेक्ट करके ऑडिट ट्रेल उसका देख रहे होते हैं। एक और बात, ये तो हो गई ड्यूरिंग ऑडिट आप ऑडिट ट्रेल देख रहे हैं जिसकी आप ट्रांजैक्शंस या ऑडिट कर रहे हैं। एक और बात ये कि आप जो खुद ऑडिट कर रहे हैं आप उसका भी अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं ताकि कल को आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपने जो ये नॉन कंप्लाइंस रेस की थी ये क्यों रेस की थी, तो आप कह सकें कि भाई मैंने ये सवाल पूछा, ये नॉन कंप्लाइंस थी और यहां से मैं शुरू हुआ होते होते पहले सवाल तक आ पाएंगे कि यार ये पहला सवाल था, फिर मैंने पूछा ये आया, ये जाया, ये किया, ये किया, ये किया, और फिर मैंने ये एस्टेब्लिश किया कि ये नॉन कंप्लाइंस है। ये बात कुछ क्लियर हुई? तो दोनों सूरतों में मैंने बता दी, समझ आ रही है उमर जी? सर तो ये जो कहते नहीं मनी ट्रेल दिखाओ, वो ये कहते हैं ना कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन हुई, तुमने घर खरीदा तो पैसे कहां से आए और आप तक कैसे पहुंचे, तो वो सारा मनी उसी को तो फिर ट्रेल कहते हैं। सबूत दिखाओ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सर ब्रॉडबैंड एंड बैंडविड्थ बता दो। क्या बता दूं? ब्रॉडबैंड बैंड तो मैंने बताया, बैंडविड्थ तो आपके हाईएस्ट डेटा रेट और मिनिमम डेटा रेट के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसको बैंडविड्थ कहते हैं। वेरी सिंपल, ब्रॉडबैंड। अच्छा एक और बात, एक तो ये हो गया कि मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट और मिनिमम डेटा ट्रांसफर रेट के दरमियान डिफरेंस, एक तो ये डेफिनेशन भी हो सकती है। अच्छा दूसरी बात बैंडविड्थ के हवाले से, वो ये कि जो क्या कहना चाहिए, हाँ किसी भी
नेटवर्क कनेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखते हैं वो ये देखते हैं कि उसके ऊपर मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसफ़र रेट आपको मिलेगा। जब आप डेटा ट्रांसफ़र रेट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपका अपलिंक मतलब आपका अपलोड डेटा रेट और आपका डाउनलोड डेटा रेट जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो आसान अल्फाजों में हम उसको कहते हैं मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट। उस चीज को किसी भी नेटवर्क की जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट की कैपेबिलिटी है वो उसकी क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है। और ये अमूमन जो नेटवर्क जितना छोटा होगा और वायर्ड होगा उसकी बैंडविड्थ उतनी ज्यादा होगी। हम लोकल एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क तक बढ़ते जाएंगे हमारी बैंडविड्थ कम होती जाएगी क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल कवरेज एरिया बढ़ता जाएगा। तो बैंडविड्थ ड्रॉप्स एज योर ज्योग्राफिकल कवरेज इंक्रीजेस। ठीक है सर, ब्रॉडबैंड भी उतार दें। ओके, आप ब्रॉडबैंड, आप जो इंटरनेट यूज करते, ब्रॉडबैंड क्या, ब्रॉडबैंड ही लिखा हुआ है बुक में सर। ओके, अब आप घर पे इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो तो हम उसमें आपके पास टेलीफोन लाइन भी आ रही है ऐसे ही है जी सर, टेलीफोन कनेक्शन भी होगा ना जी सर, उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी होगा जी सर, है ना, और उसमें आपके पास जो क्या कहना चाहिए ये क्या कहते हैं इसको, केबल टीवी जी सर, ये भी होगा। ठीक है ना, तो ब्रॉडबैंड बेसिकली कहते किसको हैं, ब्रॉडबैंड ये हमारे पास जब पुराने जमाने में मॉडेम्स हुआ करते थे और टेलीफोन लाइन के ऊपर इंटरनेट यूज होता था, जब इंटरनेट यूज होता था तो टेलीफोन लाइन बिजी हो जाया करती थी, उस टेक्नोलॉजी को कहते थे डायल अप एक्सेस टेक्नोलॉजी, शायद देख पता हो तुम लोगों को डायल अप टेक्नोलॉजी, डायल अप मॉडेम सुने, हाँ डायल अप मॉडेम से। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये क्या चक्कर है कि जब फोन इंटरनेट यूज करो तो फोन बंद हो जाता है, फोन आ जाए तो इंटरनेट बंद हो जाता है ना, तो फिर और दूसरी बात ये कि इंटरनेट भी इतना स्लो है, तो उन्होंने फिर एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई, उसको उन्होंने कहा ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। तो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने जो आपकी जो पुरानी DSL कनेक्शन हुआ करता था वो मैक्सिमम 56 किलो बिट्स पर सेकेंड का डाटा रेट हुआ करता था, और आजकल आप देखो क्या है, वायरलेस के ऊपर भी मोर देन 10 Mbps है ना। तो हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबिलिटी को आसान लफ्जों में क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड कहते हैं। सर रैम एंड रोम भी बता दें, क्या बता दूं, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैम एंड रोम जी सर, डिफरेंस बताऊं, रैम का मतलब तो आपकी प्राइमरी मेमोरी है ना, आपके कंप्यूटर में तीन किस्म की मेमोरी होती है, एक आपकी हार्ड डिस्क होती है जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, उसमें हमारा डाटा स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग के लिए अलग मेमोरी होती है उसको हम रैम कहते हैं, रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन रैम में फायदा ये होता है कि आप डाटा रीड और राइट कर सकते हैं, रोम उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें सिर्फ डाटा पढ़ सकते हैं राइट नहीं कर सकते, और अगर पढ़ना हो, अगर लिखना हो उसमें राइट करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए स्पेशल डिवाइसेज आती हैं उनको कहते हैं रोम बर्नर्स। तो ये जो आपकी बायोस होती है बेसिकली आपकी रोम पे लिखी हुई होती है, इसीलिए बायोस इतनी जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होती। सर बेसिकली इनकी फंक्शनैलिटी यानी कि रैम जो है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है और रोम डेटा स्टोरेज के लिए। नहीं नहीं, रोम बेसिकली फर्मवेयर के लिए इस्तेमाल होती है, और जो आप फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट होता हो, और हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट है ना छोटे छोटे, ये तुम लोग खुद गूगल पे भी पढ़ सकते हो, मुझसे कोई वैसे सवाल पूछो कि जो कि ऑडिट के हवाले से हो तुम लोगों को। एक्सक्यूज मी सर, सर ये कॉन्टिजेंसी प्लानिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि ये करेक्टिव कंट्रोल में कैसे आएगी?
कंटीजेंसी प्लानिंग ये है कि जब आपका कोई डिजास्टर खुदा ना खास्ता अगर हो गया, ठीक है जी जी सर, उसके बाद आपने ऑल्टरनेट वे में कोई काम करना है, ठीक है, तो इसलिए इसको कंटीजेंसी, इस कंटीजेंसी क्या है, कोई डिजास्टर अगर हो गया उसके बाद आपने कोई काम करना है। अब जब डिजास्टर अगर हो गया इसका मतलब है डिजास्टर प्रिवेंट नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, डिजास्टर अगर हो गया तो डिटेक्ट भी हो गया, आपको जब पता चल गया कि डिजास्टर हो गया, तो अब क्या बचा, करेक्शन ही बची है, इसलिए ये करेक्टेड। ओके थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई सवाल सर? वो पर टेक्नोलॉजी में जो स्लैक टाइम है वो क्या होता है, उसका बता दे एक दफा। किसमें? पर टेक्नोलॉजी में जो स्लैक टाइम होता है। हाँ, ये कौन जवाब देगा? देखें, slack time is basically the difference between the earliest time and the latest time. What is the earliest time? The earliest time is the minimum possible time required for the completion of an activity. ठीक है? और जो LS time है, जो उसको हम क्या कहते हैं, least latest time है, वो उसका opposite है। इन दोनों के डिफरेंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्लैक टाइम। और सर वो प्रोटोटाइप्स, इसको मैं एक और तरीके से क्यों कह देता हूं, ये बेसिकली उस दौरानिए को कहते हैं कि इसको मैं किस तरह से कहूं। हाँ, एक एक्टिविटी है जो कि खत्म होनी है 3 दिन के बाद, ठीक है? Yes. अच्छा, और वो खत्म हो जाती है या तो पहले या बाद में, तो एक हमारा स्टिपुलेटेड टाइम है, कंप्लीशन टाइम है, और एक उसका एक्चुअल कंप्लीशन टाइम है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस निकलता है ना, उसको बेसिकली हम स्लैक टाइम कहते हैं। और जो क्रिटिकल पाथ वाला होता है उसका स्लैक टाइम, मतलब उसका जीरो, इस तरह से आता है क्योंकि वो दोनों एक्चुअल टाइम और पॉसिबल टाइम सेम हो जाता है इस तरह से। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और सर प्रोटोटाइप्स के डिसएडवांटेजेस बता दें। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के, प्रोटोटाइप के डिसएडवांटेजेस ये हैं, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसमें डिजाइन फ्लॉज रह जाते हैं, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग में हम डिजाइन के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, उसमें डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाते, उसमें हम एनालिसिस के ऊपर भी इतना फोकस नहीं कर पाते, तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। और जब सिस्टम बहुत बड़ा हो और बहुत लास्ट लास्टिंग हो, उसकी एक्सपेक्टेशन हो कि वो बहुत सालों तक चलेगा, तो फिर प्रोटोटाइपिंग इज नॉट अ रिलायबल अप्रोच। मैंने हमेशा पहले भी ये कहा कि प्रोटोटाइपिंग का मकसद सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट नहीं है, प्रोटोटाइपिंग का मकसद रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी है। लेकिन अगर प्रोटोटाइपिंग को ये समझ लिया जाए कि ये सिस्टम डेवलपमेंट हो गई है, तो यही मिसकंसेप्शन है। और कोई सवाल? सर डेटा माइग्रेशन में पैरेलल चेंज ओवर बता दें, जैसे फेज चेंज ओवर स्टेप बाय स्टेप है, एब्रप्ट में डायरेक्ट को हम कर लेते हैं, तो पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में ये होगा कि पुराना सिस्टम भी रखेंगे, नया सिस्टम भी चलाएंगे। जब तक हम मुतमईन हो जाएं कि नया सिस्टम ठीक चल रहा है, तो जब हम ये मुतमईन हो जाएं, तो हम पुराने सिस्टम को निकाल देंगे। ओके ओके। सर जी, सर ये अगर हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जाते हैं जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज ले रही है, तो उसके क्या दोबारा बताइए।
सर अगर हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज ले रही है, आउटसोर्स की हुई है उसने कुछ सर्विसेज अपनी, तो उसका उसका क्या स्टैंडर्ड होगा? मतलब कि फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए, उन सर्विसेज का कैसे ऑडिट करेगा वो जो उसने आउटसोर्स की हुई है? उसमें एक टेक्निकल गाइड है, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सैस 71 एंड सैस 72। ठीक है, एक तो हम उसको पढ़ सकते हैं, ये तो हो गया फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दूसरी बात ये हो गई कि जब आपने किसी शख्स ने आउटसोर्सिंग कोई एक्टिविटी आउटसोर्स की हुई है, तो अब आप किस चीज की बेसिस के ऊपर उसको ऑडिट करेंगे? आप सबसे पहले उसका सवाल ये पूछेंगे कि भाई आपने आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ी। पहली बात, आउटसोर्सिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है, उसकी तीन चार वजूहात होती हैं। इसलिए पड़ती है कि जो काम आपने आउटसोर्स किया है उसके डोमेन एक्सपर्ट्स आपके पास नहीं है, पहली बात या पहली वजह। दूसरी पॉसिबल वजह यह हो सकती है कि जो डोमेन एक्सपर्ट्स आपके पास हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, बल्कि वो डोमेन एक्सपर्ट्स ही नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है। और जो जिसको आप आउटसोर्स कर रहे हैं उसके पास बहुत वसी तजर्बा है, दो बातें। तीसरी बात ये कि आपके पास उस काम को करने के लिए ड्यू टाइम नहीं है। चौथी पॉसिबल रीजन कि आप आउटसोर्स करके जो टाइम रिसोर्स स्किल एफर्ट सेव कर सकते हैं वो आप किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट करके कोई बिग ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। ये हो गई जस्टिफिकेशंस। दूसरी बात आप उससे पूछेंगे, क्या आउटसोर्सिंग करने से पहले मैनेजमेंट का कॉन्सेंट लिया गया था विद जस्टिफिकेशन? क्या कोई बोर्ड मीटिंग हुई थी? राइट, उस बोर्ड मीटिंग के कोई मिनट्स निकले थे? क्या वो बोर्ड मीटिंग पहले से स्केड्यूल्ड थी? अगर वो इमरजेंसी भी थी तो उसका भी कोई स्केड्यूल निकला होगा, फिर मीटिंग हुई होगी, मीटिंग के मिनट्स निकले होंगे क्या? फिर ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप मांगेंगे। फिर आप उसे ये पूछेंगे कि भाई जब आपने आउटसोर्स कर दी तो सिलेक्शन ऑफ वेंडर का प्रोसीजर क्या था, क्या वो डॉक्यूमेंटेड है? अगर वो डॉक्यूमेंटेड है तो लाएं, और जब वो लेकर आएंगे तो आप कहेंगे ठीक है ये जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है इसके मुताबिक जो आपके रिकॉर्ड्स हैं जो आपने एग्जीक्यूट किया था वो दिखाएं। फिर आप ये पूछेंगे कि सिलेक्शन ऑफ वेंडर के लिए आपने RFP किया था? क्या कोई इन्विटेशन टू टेंडर्स किया था? आपके पास स्टैंडर्ड्स आए थे, आपने उनको कैसे स्क्रूटनाइज किया? उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग कैसे की? वेंडर्स को इनवाइट किया था? क्या उन्होंने आके आपको कोई डेमोंस्ट्रेशन दिया था? क्या उन्होंने कोई POC किया था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट? क्या आपने उसकी मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड किए? क्या आपने उसकी बेसिस के ऊपर जो फिल्टरिंग की थी, जिनको रिजेक्ट किया था, उसका कोई जस्टिफिकेशन नोट किया है? उसके बाद जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की, जो एग्रीमेंट आपने उनके साथ किया वो एग्रीमेंट दिखाएं, SLA, उस एग्रीमेंट को फिर आप पढ़ेंगे क्या उस, फिर वो फिर तो गाड़ी चल पड़ेगी या आगे बताऊं? सर वो गाड़ी तो चल पड़ेगी, वो एक्चुअली बुक में जो लिखा हुआ ना, उन्होंने लिखा आपने जो उस जिससे सर्विसेज ली हैं, अब उसका ऑडिट कैसे करना, बेसिकली उसमें कंफ्यूजन हो रही थी कि उससे अब पता नहीं बुक में क्या लिखा हुआ था, कुछ समझ नहीं आई। नहीं देखो, दो बातें, मैं ऑडिटर हूं आपका, आपने ली हुई है किसी से सर्विसेस, अब आप ये चाह रहे हैं कि आपने जिससे सर्विसेस ली हैं उसका ऑडिट करवाएं? नो सर, वो ऐसे था कि उन्होंने कहा था कि अब जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन और आप ऑडिट करने आए हैं, तो मैंने जिससे सर्विसेज ली हुई हैं तो आपको ये भी देखना कि उन्होंने जो आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है, अब वो डॉक्यूमेंट कितना वो है एविडेंस बेस्ड है, और उसमें जो उसकी कितनी ऑथेंटिकेशन है, इस सारे की उन्होंने कोई डिटेल लिखी हुई थी? नहीं, आपने उसको गलत इंटरप्रेट किया। होता क्या, उसमें ये होता है कि आपने जो SLA लिखा ना, आप जिसे सर, मैं ऑडिटर हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर से राइट ऑफ ऑडिट मांगा था, पहला सवाल। ठीक है, अगर राइट ऑफ ऑडिट मांगा था तो क्या उन्होंने दिया था? और अगर वो राइट ऑफ ऑडिट दे देते हैं तो उसमें फिर मजीद तीन बातें होती हैं। क्या जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है वो आप करेंगे, पहली चॉइस। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या वो करेंगे, ऑडिट तो आप करवा रहे हैं, अच्छा, या
टीम दोनों म्यूचुअली मिलके करेंगे, तो ये सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है पहली बात। अगेन पॉइंट, उसकी फाइनेंसिंग कौन करेगा? ऑडिट चूंकि आप करवा रहे हैं, आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं, आप कंप्लायंस इश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो फंडिंग भी आप करेंगे, ठीक है। ये सब बातें फिर हम उसमें नोट करते हैं, बात समझ आई। तो उसमें जो किताब में लिखा होगा वो ये लिखा होगा कि जो ऑडिटर की सिलेक्शन है उसके तरीके क्या हैं। उसमें तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तरीका ये है कि जो क्लाइंट है उसका अपॉइंटेड ऑडिटर हो, लेकिन अमूमन सर्विस प्रोवाइडर को ये मंजूर नहीं होता। दूसरा क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका अपॉइंटेड ऑडिटर हो, वो आपको पसंद नहीं होता क्योंकि आप कहेंगे बाइस है, हो सकता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या है कि एक न्यूट्रल ऑडिटर हो जिस पे दोनों का कॉन्सेंसिस हो। अब मैं आपको ऑडिटर हूं, क्यों? क्योंकि अब इज्यूम कर लेते हैं, अभी तो रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन इज्यूम कर लेते हैं कि जब आपने एससीसीपी में आर्टिकल एओए और एमओए जमा कराया था तो आपने उस वक्त अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कर ली थी, बाद में चेंज हो सकता है, लेकिन इसी तरह आईटी ऑडिटर भी अपॉइंट हो गया। अब मैं आपका परमानेंट ऑफिशियल ऑडिटर हूं, लेकिन अगर मैं आप मुझसे अपने प्रोवाइडर का ऑडिट करवाना चाहेंगे तो जरूरी है कि दो बातें जरूरी हैं कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने आपको राइट ऑफ ऑडिट का राइट ऑफ ऑडिट दिया हो, और दूसरी बात अगर उसने राइट ऑफ ऑडिट दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके ऑफिशियल ऑडिटर से ऑडिट करवाने पर रजामंद हो जाए। मेरी बात कुछ समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, आगे चलें। सर जी, सर इंक्रिप्शन का आपने जो बताया था वो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट वाला, सर वो प्लीज थोड़ा रिपीट कर दें, वो मैंने नोट डाउन नहीं किया हुआ और बुक के अंदर उसका पूरा मेथड दिया हुआ भी नहीं है। आप वो पैकेंट्रोनिस वाली है ना जी? आप वो फूड ऑडिट वाली फर्म से है ना जी? सर अभी मुझे एक सवाल का जवाब दो, हम तुम्हें पूछ रहे थे ये सर। बताओ कि ये जो इन्होंने सवाल पूछा था आपका, फॉर एग्जांपल आप किसी फूड एजेंसी को ऑडिट करने जाती हैं, उस वो अपने सप्लायर को ऑडिट करना चाहता है तो फिर क्या होगा? मतलब आपने मैकडोनल्ड का ऑडिट किया, सही। आपने किस फर्म का ऑडिट किया रिसेंटली, अगर नाम डिस्क्लोज कर सको? सर ऑडिट हम ऑडिट करते नहीं है, वी आर नॉट द बॉडी हु आर टेकिंग द ऑडिट, ठीक है। हम सर्टिफाइड हैं बहुत सारी जो बाहर की जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, और हम मतलब हम कंसल्टेंसी देते हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो? इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और जो आपका कहते हैं ना एक इंटरनल एक्सटर्नल स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने की, हाँ, और इंटरनल ऑडिट भी करते होंगे। ओके, अब सब बात समझ आ गई, ठीक है, बात चलो। ओके, अब आप ठीक है, अब आप वैसे तो मतलब इंटरनल ऑडिट पर दबे अल्फाजों में कर देते होगे। अच्छा, आप बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट्स हो, और आपकी इम्प्लीमेंटेशन, आपकी की हुई इम्प्लीमेंटेशन का कोई एक्सटर्नल ऑडिटर होगा? वो भी बॉडीज आती हैं जो के सर्टिफाई करती हैं। हाँ, तो उनकी आपसे दोस्ती है? सर मैं तो नहीं जाती ऑन फील्ड, लेकिन के बहुत होते हैं पर्सनल टर्म्स काफी हो जाते हैं। देखा ना, यही बात, मतलब भारत में आप आगे ज्यादा आगे सर, इंटरनेशनली भी जो, हाँ पता है मुझे, पता है, आई नो। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जब आप इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन किया, ठीक, कोई किस आपने खुद किसी किसकी इम्प्लीमेंटेशन की है, किस मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की है? सर नाम ले सकती हूँ कंपनीज के? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं अच्छा पहले स्टैंडर्ड का नाम ले दो ना। अच्छा ठीक है सर, हमारा तो फूड का जो होता है ना वो है AIB इंटरनेशनल, ठीक है, AIB इंटरनेशनल है, ISO है क्वालिटी का, ये दो तीन ही है जो के पाकिस्तान में जो लोग बस, तो हमने अभी रिसेंटली किया था, तो वो किया था हिलाल सर्टिफाई होता है ताकि जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, उसमें किया था बता रहे कि रिसेंटली, तो मैंने भी यही किया है। नहीं, मेरा कहने का मकसद है आप लोगों ने ISO 22000 इम्प्लीमेंट किया कहीं?
लेकिन मुझे नहीं पता आगे इसका वो क्या है। तो नहीं, अच्छा आपने 9001 हम खुद सर्टिफाइड है, पेस्ट्रॉनिक जो कंपनी है वो खुद सर्टिफाइड है इसकी। हां 9001 मुझे पता है। कौन सी कंपनी सर्टिफाइड है सर? जो मेरी जो हमारी जो अपनी कंपनी है पेस्ट्रॉनिक सर्विसेज, वो खुद जो सर्विसेज दे रही है वो उसकी वो ISO 9001 सर्टिफाई है। देखो कंपनी का 9001 सर्टिफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी जिसको भी इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंसी दे वो भी सर्टिफाइड हो जाए, पहली बात। नहीं सर, नहीं नहीं जरूरी नहीं है वो तो मुझे पता है। वो तो आप, वो तो आप जब खुद बिजनेस लेने जाएंगे तो वो तो आपका सेलिंग पॉइंट है। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने किसी जगह पे कोई फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया होगा ना, तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ISO 22000 2018 है इस वक्त, वो कहीं इम्प्लीमेंट किया? यस सर किया है। कहाँ? बहुत सारी भाई, कोई एक नाम ना। पेप्सी, पेप्सी। ओके अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। पेप्सी, हाँ। ओके पेप्सी पे किया। पेप्सी पे करने के बाद पेप्सी का जो सप्लायर है, ठीक है, पेप्सी का जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो कंप्लाइन नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? मतलब पेप्सी किसी से सर्विसेज ले रही है ना, सप्लायर है, अगर वो सप्लायर ही नहीं है सर्टिफाइड तो क्या होगा? करोगी तो सर उनका पता नहीं सर, बेसिकली तो लाइसेंस ही कैंसिल हो जाता है अगर आपने ऐसा भी सप्लायर रखा हुआ है जो कि सही है इंटरनेशनल यूज के। आपने कोई ऐसा सप्लायर रखा हुआ है जो हाँ हाँ जो क्या आगे हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। हाँ सर मैं कह रही हूँ कि मुझे आइडिया नहीं है लेकिन इंटरनेशनल जो फूड सेफ्टी के हैं, अगर आपका सप्लायर या जो भी अगर सर्टिफाइड नहीं है तो आपका खुद का ऑडिट जो है वो कैंसिल हो जाता है, चले जाते हैं। यस यस। अब आप जो अभी मुझे, ओके अभी आपने अभी जो मुझसे सवाल पूछा था किसी ने थर्ड पार्टी का, वो क्या नाम था उनका? नहीं वो बस मैंने आंसर कर दिया इसलिए, अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो फिर पीछे चलाऊंगा। समझ आ गई अब्दुल्ला? यस सर। ओके अब अगला कोई क्वेश्चन पूछे मुझसे। इंक्रिप्शन का पूछा ना मैंने, वो प्लीज रिपीट कर दें। मैंने सवाल नहीं सुना, दोबारा बोलो। सर मैं कहती हूँ इंक्रिप्शन का आपने बताया था ना, वो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट वाला, वो जो वो मैंने कॉपी डाउन नहीं किया था और बुक के अंदर उसका वो डिटेल दिया हुआ नहीं है, तो आप एक दफा रिपीट कर लें तो मैं नोट्स वो कर लूं, बना लूं। इंक्रिप्शन बेसिकली इसी को कहते हैं कि जो हमारा डाटा एट रेस्ट है या डाटा इन ट्रांजिट है, हमने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए उसको एक इंटरमीडिएट नॉन ह्यूमन रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। उस चीज के लिए ये डाटा की सिक्योरिटी के लिए जो प्रोसेस या टेक्नोलॉजी हम अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। तो ये है मकसद। इंक्रिप्शन दो किस्म की होती है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, और फिर मैंने उसके एल्गोरिथम्स वगैरह भी बताए थे। मैं यहाँ पे उसको फाइल को खोल देता हूँ, यहाँ से वो उसको नोट कर लेना। मीनवाइल किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए प्लीज। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चंस? रिस्क अवॉइडेंस क्या होती है? मतलब आप वो काम करते ही नहीं है जिसके साथ कोई रिस्क एसोसिएटेड है। ओके, अगर आपको इंटरनेट से खतरा है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब मैं सिनेरियो दे रहा हूँ तुम लोगों को, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है और
आपको इंटरनेट चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए आपको हेल्प चाहिए कंटेंट की या डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट किया, एक आपने नेटवर्क बनाया है जिसको आप जिसके ऊपर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आपने अगर उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया तो वायरस आएंगे, लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते तो आप रिसर्च कैसे करेंगे, ठीक है। अब सवाल मेरा यह है कि आप ऐसा क्या करें कि रिस्क अवॉइड हो जाए। सर वीपीएन यूज कर लें। वीपीएन यूज कर लें, ओके गुड चॉइस। और सर जब हमने नेटवर्क से यानी कि कनेक्ट तो हमें करना पड़ेगा, तो फिर रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो सकता है, अवॉइड। चलिए मैं कह रहा हूँ अवॉइड, मिनिमाइज तो आपने बिल्कुल सही बताया, वीपीएन ले लें, ओके। अब मैं कह रहा हूँ कि रिस्क अवॉइड करना है, लेकिन रिसर्च भी नहीं रुकनी चाहिए, फिर क्या करो। ये तहरीम की मेरे सामने इंक्रिप्शन खोल दी मैंने, इसको आप नोट कर लें। सर वो जो सर इसको प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे आप, जो इंक्रिप्शन का जो पूरा मेथड था वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो जो बिल्कुल ही इसमें कंफ्यूजन है वो मैं कर देता हूँ। अच्छा बताएं, अभी मैं सवाल पूछा था, हाँ कैसे करेंगे हम उसको, ओके मैं जवाब देता हूँ। उसको हम कहते हैं एयर गैप। एयर गैप ये होता है कि हम दो नेटवर्क डिप्लॉय करते हैं, एक नेटवर्क वो जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, एक वो नेटवर्क जिसको हम ऑफलाइन रखेंगे। तो हम करेंगे क्या कि हम जो नेटवर्क हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड होगा उससे हम कॉन्टेंट लेंगे, रिसर्च करेंगे, और वो नेटवर्क जो कि हमारे इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क से सेग्रीगेटेड होगा वहां जाके हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। अब चूंकि ये दोनों नेटवर्क आपस में फिजिकली सेपरेटेड हैं, हम क्या कहेंगे कि हमने रिस्क अवॉइड कर लिया, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं एयर गैप। क्या कहते हैं? अब आपका रिसर्च भी नहीं रुकी, डिले जरूर आएगा, डिले जरूर आएगा, डेफिनेटली डिले आएगा, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी, लेकिन आपने एक मेथडोलॉजी बना दी। ओके, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो किस चीज को कहते हैं? सर जो वो सारी प्रोजेक्ट्स या काम जो सारा हुआ हुआ होता है, जो उसको एक जगह हम फाइल अप करते हैं, उसको बोलते हैं। आप एक वक्त में जितने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे होते हैं, वो आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो होता है। ओके जी, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के लिए सबसे पहला असूल क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ओके, फिर ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथराइजेशन। ओके गुड, ऑथोराइजेशन के लिए, अच्छा जब आप किसी ने किसी जब आपने किसी को काम करने का कोई इख्तियार देना है, उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल होता है? ऑथोराइजेशन से नहीं, डेलीगेशन ऑफ पावर। नीड टू नो, नीड टू डू, नीड टू हैव। ओके, मैं अब मेरा सवाल सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि आपने किसी को कोई अथॉरिटी देनी है, अथॉरिटी देने को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, DOA, या डेलीगेशन ऑफ पावर। पावर लेने को कहते हैं रिवोकेशन ऑफ पावर। आपने किसी को कोई राइट्स, किसी को कोई अथॉरिटी देनी है, तो उसका एक असूल तो मैंने आपको बता दिया कि पावर देने का जो असूल है ना वो क्या है,
नीड टू नो, नीड टू डू, नीड टू हैव, तो ऑथोराइजेशन का रूल है। ऑथोराइजेशन ये है कि किसी को काम करने की परमिशन देनी है या नहीं देनी है, ठीक है, उसका असूल ये है, नीड टू नो, नीड टू डू एंड नीड टू हैव। अब अगली बात जो मैं कर रहा हूं वो ये है कि किसी को कोई पावर देनी है उसका असूल क्या है। डेलीगेशन ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस, कि कम से कम पावर दो, उतनी पावर जिससे काम हो जाए, लेकिन जिससे काम रुके भी ना, इतने लीस्ट प्रिविलेज जिससे काम हो भी जाए और जिससे कोई मिसयूज भी ना हो और कोई काम भी ना रुके, इसको कहते हैं लीस्ट प्रिविलेज। जी सर। अच्छा, किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग कौन सी है? व्हाइट बॉक्स सिक्योरिटी के लिहाज से। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो नेटवर्क की टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर की भी होगी। अच्छा, किसी भी सॉफ्टवेयर, चलो मैं यूं सवाल पूछ लेता हूं, किसी भी सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का, किसी भी सॉफ्ट को वल्नरेबल ना बनाने के लिए कोई रिकमेंडेशंस बताओ, क्या करोगे? मैंने कहा था ना, इनपुट वैलिडेशन, इनपुट सैनिटाइजेशन। गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट होगा, गार्बेज इन होगा तो सॉफ्टवेयर क्रैश करेगा, कि मैंने कहा था ना। तो इनपुट वैलिडेशन और इनपुट सैनिटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं, कि अगर आपने इनपुट वैलिड की, इनपुट सैनिटाइजेशन की भी है तो आपका मतलब यह है कि आप गलत इनपुट सॉफ्टवेयर ले ही नहीं पाएगा। जब वो गलत इनपुट ही नहीं लेगा तो कभी भी क्या होगा, रॉन्ग प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो कभी वो क्रैश नहीं करेगा। अगर सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं करेगा तो दो चीजें बता दूं, कि कभी भी बफर ओवरफ्लो नहीं होगा और कभी भी डिनाइल ऑफ सर्विस नहीं होगा। बफर ओवरफ्लो एक अटैक है जिसके थ्रू सॉफ्ट कोई भी हैकर आपके मशीन का कंट्रोल हासिल कर सकता है, उसको कहते हैं बफर ओवरफ्लो। और बफर ओवरफ्लो तभी होता है कि जब कोई सॉफ्टवेयर रॉन्ग इनपुट को एक्सेप्ट कर ले। तो रॉन्ग इनपुट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ना करे, इसके लिए आप क्या करते हैं, इनपुट वैलिडेशन करते हैं, और इनपुट वैलिडेशन प्रॉपर है या नहीं है इसके लिए आप एक टेस्टिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्ज टेस्टिंग, फजिंग। अगर सॉफ्ट, अब मेरा अगला सवाल, अगर कोई सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर तुमने ड्यूरिंग टेस्टिंग उसके कोई एरर डिटेक्शन करनी है, तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डिटेक्शन के लिए आप क्या चीज यूज करोगे? स्टब। स्टब का खतरा क्या है? अगर हैकर को पता चल जाए, अगर ऑडिटर को पता चल जाए कि यहां स्टब्स यूज हो रहे हैं, तो फिर ऑडिटर अगले दो सवाल क्या करेगा? कि ये लाइसेंस्ड है या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, स्टब्स की खुद आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की थी या नहीं की थी। आप किसी यूजर को, किसी भी यूजर को सोर्स कोड देंगे, एग्जीक्यूटेबल कोड देंगे? एग्जीक्यूटेबल कोड। अच्छा, जब आप सोर्स कोड खुद लिखते हैं तो बाज़ औक़ात आप सारा कोड खुद नहीं लिखते, आप दूसरों की बनी हुई चीजों को भी अपने सॉफ्टवेयर का पार्ट बना लेते हैं। तो वो चीज जो आप दूसरे की चीज को, दूसरे की बनी हुई चीज को अपने कोड में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। अगर सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए, इस बिहेवियर को क्या कहेंगे?
सॉफ्टवेयर में कोई एरर आए, एबनॉर्मल एरर आए, एक होता है एरर, एक होता है एबनॉर्मल एरर। मैंने कल बताया था कि सॉफ्टवेयर के दो किस्म के एरर्स हो सकते हैं, कौन कौन से थे सर? जो लॉजिक एरर और सिंटैक्स एरर। ओके, जो बिल्कुल एबनॉर्मल एरर्स होते हैं, अनएक्सपेक्टेड एरर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। अगर एबनॉर्मल एरर आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए सबसे पहले? उसको लॉग करना चाहिए, एक्टिविटी लॉगिंग। देखो ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर, अब कुछ चीजें ये क्या कहना चाहिए, अपनी हैबिट का पार्ट बना लो। ऑडिटर के लिए क्या चीज है, ऑडिटर सबसे पहले कोई चीज देखता है तो क्या देखता है, पॉलिसी देखेगा। दूसरी कोई चीज देखेगा तो वो देखेगा कि पॉलिसी अपडेटेड है या नहीं है। अगर कभी कुछ ना आता हो ना और ऑडिट करना पड़ जाए तो जो मैं बता रहा हूं ना, अब उसको सुनना, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी अप्रूव्ड है या नहीं, पॉलिसी अपडेटेड है या नहीं, पॉलिसी सबको डिसिमिनेट की गई है या नहीं, पॉलिसी पे मैनेजमेंट का अप्रूवल है या नहीं, पॉलिसी के अगेंस्ट कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या नहीं, पॉलिसी लीगल एंड रेगुलेटरी लॉस को कंप्लाइंस कर रही है या नहीं। ये बात हो गई। फिर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब ये आप जिस जगह पे भी हैं वहां पे आप ये, अब आपकी जजमेंट है कि क्या वहां पे ये सवाल बनता है या नहीं बनता। मैं आपको एक मास्टर लिस्ट बना रहा हूं। अब इंतखाब के कौन सा सवाल वहां हो सकता है या नहीं होगा, ये अब आपकी, क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड होगा। ये नहीं है कि जो मैं अब अगली चीज जो मैं कहने लगा हूं वो हर दफा होगी, इट्स नॉट यूनिवर्सल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज होती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली डिफाइंड हो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, प्रॉपरली ऑथोराइजेशन अप्रूवल्स हो, लोग प्रॉपरली ट्रेन्ड हो, तो ट्रेनिंग लोगों के हिसाब से बता रहा हूं ये वो, अब मैं यूनिवर्सल चीज ही बता रहा हूं ऑलमोस्ट। रोल्स प्रॉपरली डिफाइंड हो, रोल्स प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो जो JD की शक्ल में होती है, लोगों को अपने रोल्स के बारे में अवेयरनेस हो, रोल्स में प्रॉपरली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, रोल्स में अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए लीस्ट प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट हो, ऑथोराइजेशन के लिए नीड टू नो, नीड टू डू, नीड टू हैव बेसिस का कॉन्सेप्ट हो, अकाउंटेबिलिटी का भी कोई ना कोई मेजर हो। ये दूसरा पिलर हो गया। तीसरा, ऑडिट करने जाओगे पास्ट ऑडिट रिपोर्ट्स मांगो, उन ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर क्या फॉलो अप हुआ, क्या करेक्टिव एक्शंस हुए, क्या मैनेजमेंट ने रिव्यू लिया, उस रिव्यू मीटिंग्स क्या थी, उन रिव्यू मीटिंग्स के स्केड्यूल्स थे या नहीं थे, उन रिव्यू मीटिंग्स के फॉलो अप मिनट्स थे या नहीं थे। ऑडिट, पास्ट ऑडिट रिपोर्ट्स, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस, उसके ऊपर मैनेजमेंट के रिव्यूज, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स MRMs, उन मीटिंग्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग MOM, ये मांगोगे। सर्टिफिकेशन ऑडिट है, उसके बाद सर्विलेंस ऑडिट हुआ या नहीं हुआ, इंटरनल ऑडिट कहां हुआ, इंटरनल ऑडिटर्स कौन है, इंटरनल ऑडिट का कोई प्रोग्राम था या नहीं था, क्या उसका एनुअल प्लान है या नहीं है, क्या वो प्लान डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, ऑडिट की चेकलिस्ट है या नहीं है, ऑडिट की चेकलिस्ट की कस्टडी किसके पास है, ऑडिट की चेकलिस्ट प्रॉपरली रिवाइज होती है या नहीं होती है, ऑडिट प्लान बनते हैं या नहीं बनते हैं, ऑडिट के स्केड्यूल्स रियलिस्टिक होते हैं या नहीं होते, ऑडिट फाइंडिंग्स क्या हैं, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश हो रही है नहीं हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट पे मैनेजमेंट का अप्रूवल है या नहीं है, ऑडिट फाइंडिंग्स कैसे होती हैं। ये मैं इंटरनल ऑडिटर, ये इंटरनल ऑडिट के हवाले से भी चीजें बता रहा हूं। कैट का इस्तेमाल है या नहीं है, तो ये कुछ चीजें हैं। अगेन, ऑडिट में एविडेंस कैसे ली जाती है, चेकलिस्ट है या नहीं है,
ऑडिट ट्रेल ऑडिट लॉग मेंटेन होता है या नहीं होता, वर्किंग पेपर्स हैं या नहीं है, ये ऑडिटी के हवाले से जरूर ऑडिटर के लिए चीजें करना जरूरी है। इसके अलावा आप आइडेंटिफिकेशन के बारे में सवाल पूछें, ऑथेंटिकेशन के बारे में सवाल पूछें, ऑथोराइजेशन के बारे में सवाल पूछें, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के बारे में सवाल पूछें, डेटा की सिक्योरिटी के बारे में सवाल पूछें, नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में सवाल पूछें, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी के बारे में सवाल पूछें, लाइसेंसिंग है या नहीं है, अपडेटेड है या नहीं है, आउटडेटेड है या नहीं है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का प्लान है या नहीं है, प्रोटोकॉल्स क्या है, नेटवर्किंग क्या है, डिजाइन डायग्राम्स क्या है, कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट है या नहीं है, चेंज मैनेजमेंट है या नहीं है, बैकअप है या नहीं है, डिजास्टर रिकवरी है या नहीं है, प्लान्स बनते हैं या नहीं बनते, हर ऑडिट एरिया का ऑडिट होता है या नहीं होता। फिर अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, एसओपीज हैं या नहीं है, चेंज मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, डेटा सेंटर को मेंटेन करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, एक्विजिशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, आउटसोर्सिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, सॉफ्टवेयर को हायर एक्वायर करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, आईटी गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट का रिव्यू होता है या नहीं होता, कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कैसे करते हैं। समझ आई कुछ? आप लोग हैं, चले तो नहीं गए? नो सर, इधर ही हैं। यू विल नॉट फॉरगेट दिस सेशन, ये मैं आपको बता दूं, आप ये सब्जेक्ट नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और शायद मुझे भी ना भूलें, लेकिन एनी हाउ सब्जेक्ट तो नहीं भूलेंगे। बट माय ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों में कुछ इंटरेस्ट डेवलप कर जाऊं। एनी हाउ अब मैं ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करता, क्योंकि जाहिर बात है एक से एक पूरे लेक्चर के अंदर मैं पूरी सीजा को टिप्स पे नहीं बता सकता कि मैं ये करूँ, लेकिन मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिए। आई बिलीव कि किसी हद तक मैंने आपको बता दिया कि यार ऑडिट कुछ भी नहीं आता ना, ब्लैंक हो गए तो कैसे जाओगे। ऑडिटर ऑडिटी से पूछो भाई इसका एसओपी क्या है, काम का बिजनेस प्रोसेस का एसओपी क्या है, फिर पूछो यार इस बिजनेस प्रोसेस को चलाने वाला कौन है, उसका ऑथराइजेशन दिखाओ, उसका अप्रूवल दिखाओ, वो काम करता है या नहीं करता, एक्टिविटी लॉगिंग का बताओ यार, जो तुम काम करते हो उसका रिकॉर्ड है कि नहीं, इसमें चेंज कैसे लेकर आते हो, वहीं फंस जाएंगे सब। कुछ समझ आ रही है? और आईटी के अंदर अगर इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी अगर इंप्लीमेंट करने जाओगे तो पहला स्टेप क्या है, पॉलिसी बनाओ, फिर एसओपी बनाओ, ऑर्गेनोग्राम बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरिंग करो, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट करो पहली चीज। जब तक एसेट मैनेजमेंट नहीं करोगे साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, एसेट आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क मैनेजमेंट करो, फिर कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन करो, फिर कंप्लाइंस ऑडिट, फिर कंप्लाइंस इश्योरेंस करो, फिर मॉनिटरिंग करो, और आखिर में जाके ऑडिट करो। हाँ जी, बस मुझे इजाजत। बता तो दो भाई, तुम लोग तो ऐसे लग रहे हो जैसे पता नहीं डर गए। जी सर। ये बस आज लास्ट क्लास है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सारी खैर के साथ कंक्लूड हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अब कोई कुछ कहना चाहता है तो बताएं।
सही डॉक्यूमेंट क्या हमें मिल सकता है जिसपे आपने सारे लेक्चर्स नोट डाउन करे थे? हाँ हाँ ये तो मैं आप लिया, ये तो मैंने कोई ऐसी चीज थोड़ी है, तो पता नहीं मैंने इसमें बड़ा एब्रप्ट ऑर्डर में बनाया है। ठीक है सर, ये हमें हेल्प आउट कर देगा, कहते हैं क्लिक वर्ड्स आपके आ जाते तो जरा रिवीजन हो जाता उसके लिए। हाँ ये मैं भी देख रहा हूँ, बाकी सबका नहीं पता लेकिन मेरे लिए शायद ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। नहीं नहीं मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, मैं खुद ये देख रहा हूँ यार, ये 78 पेजेस का बन गया डॉक्यूमेंट, इट्स टू लॉन्ग। अच्छा भला डॉक्यूमेंट बन गया, असल में मैंने मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मेरी अपनी बुक मैंने ऑलमोस्ट आधी लिखी हुई है और बस टाइम की शॉर्टेज है, मैं उस पर या टाइम क्या मेरी प्रायोरिटीज अभी डिफरेंट है तो मैं उसको भी लिख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा जी सर, फर्दर अगर आपसे कभी कम्युनिकेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अगर सर आप अपना मोबाइल नंबर दे दें हम कम्युनिकेट खुद ही कर लेंगे। मेल पे हो सकते हैं? हाँ मुझे, मैंने मोबाइल नंबर दी, देखो एक तो मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ बहुत कम। हाँ कभी क्या कहते हैं, लेकिन मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। जी सर मिल देते हैं। अच्छा उस दो वजूहत, मैं अपना मोबाइल नंबर इसलिए नहीं देता, एक तो ये कि शुरू में मैंने दिया उसके बाद मैं नहीं चाहता कि मेरा पर्सनल नंबर जो है, पर्सनल नंबर से मुराद जो मेरा एक ही नंबर है, वो बाद में उसको लोग मुझे कॉल करें पूछेंगे सर ये विंडोज इंस्टॉल नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ, ऐसे सवाल से करने को फिर गुस्सा आ जाता, तो मैं कोशिश करता हूँ SSH के लिए। हाँ आपको कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे, कोई प्रोफेशनल गाइडेंस, सही रियल टाइम गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे, सब्जेक्ट के हवाले से कोई सवाल है तो समेल ले दें, लिखो एस डॉट ईमेल लिख देता हूँ, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन ये है कि आई ये सिर्फ इसलिए कि अगर आप लोगों को इशू ज्यादा इशूज हों या कलेक्टिव मल्टीपल इशूज हों तो पहले मुझे मैसेज कर देना कि सर हमारे पास मल्टीपल इशू, देन आई विल रिपोर्ट। ठीक है जी, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये वो जो MISICMA वाली है ना ईमेल आईडी, MISICMAP@gmail.com ये मैं उस पे ईमेल कर देता हूँ सबको, सबको वहां से मिल जाएगा राइट। हाँ एक चीज जरूर करना, एक चीज जरूर, एक ये कि क्या कहना चाहिए, जब ये पेपर हो जाए तो पेपर से पहले दो रकत नमाज हाजिर पढ़ना, पहले तैयारी करना, फिर दो रकत पढ़ना, फिर पास होने के बाद नफिल पढ़ना, ठीक, और मुझे फिर मैसेज कर देना या ईमेल कर देना कि हमारा पेपर क्वालिफाई हो गया, और कभी फ्यूचर में लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में कभी जरूरत पड़े प्रोफेशनली तो आई, ठीक है, एंड आई होप कि जब आप लोग जाएं तो ये सिर्फ ऑडिट नहीं है, एक और बात ये कुछ चीजें जो है मैं यहाँ पे बता चलूँ कि लाइफ में सिर्फ ये चीज नहीं होती नॉलेज, लाइफ में बहुत सारी चीजें भी और वैल्यूज भी होती, जब भी जाओ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ फेयर हो के दिल के साथ नेक नीति के साथ इंतहाई खुलूस के साथ करो, बिलीव मी कि उसमें जो कॉम्पिटेंस है वो डबल हो जाएगी आपकी, ये मैंने पढ़ाने में देखा है, खैर लाइफ में भी चीजें देखी है कि अगर आप कोई काम बहुत खुलूस के साथ करो दिल से कर रहे हो ना दिल और दिमाग को, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ फिर लफ्ज ही नहीं रहता, वो फिर चीजों को तब्दील करता है। अभी भी क्या कहते हैं सीजा जो है क्या कहते हैं ये पूरा नहीं, आप लोगों का चूंकि स्कोप से बियॉन्ड था लेकिन मैंने कोशिश की, एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोग चूंकि आई टी का बैकग्राउंड नहीं है
और उसके बावजूद आप लोगों ने मेरे साथ कॉपरेट किया और मुझे बहुत खुशी चीजों को यहाँ तक आते हैं, इस लेवल तक आए, जो भी लेवल अचीव किया बहुत अच्छा लेवल है। आई रियली अप्रिशिएट जो लोग लास्ट क्लास तक रहे और सीरियसनेस रही, चाहे वो चीज़ों को टेक्नोलॉजी से बिल्कुल, अब यही ऐसी चीज़ है कि मुझे 2 घंटे बैठ के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पढ़ाना शुरू कर दे तो मेरा शायद मैं बहुत जल्दी उसमें इंटरेस्ट लूज कर जाऊँ, लेकिन डिस्पाइट के बिल्कुल डेविएटेड है फील्ड, डोमेन नई डोमेन थी और उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आई थिंक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उसके बावजूद भी इस लेवल पे आ जाना और फिर प्रिपेयर कर लेना और नॉलेज के साथ उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ लेना, तो इट्स अ गुड इंडिकेटर। इसलिए फिर ये कि वो मुझे भी शौक होता है कि हाँ यार और अच्छा पढ़ाओ, चीज़ें करो। और ये चीज़ अभी तो खैर ऑनलाइन था, मुझे इस चीज़ का बहुत डर था, पिछले 2-3 सेशंस में मैंने इसलिए हाँ नहीं की थी, लेकिन इस दफ़ा तो मैं दरमियान में फिर मैंने कहा चलो कर लेते हैं, एक्सपीरियंस करके देखते हैं, तो लेकिन अच्छा रहा। और मुझे ये था कि यार 90 लेक्चर्स आसान चीज़ नहीं होती, इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू कंडक्ट 90 आवर्स और इनविजिबली और बिल्कुल आप इंटरेक्शन नहीं है, कंट्रोल करना तो नॉट, और फिर ये इंटरेस्ट रखना लोगों का, ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि तस्वीर नहीं आ रही होती ना, सिर्फ आवाज़ है, तो चीज़ें वाइट बोर्ड भी नहीं है, आपके पास कोई एड नहीं है, कोई असिस्टेंस नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, तो मैंने इसलिए फिर ये सोचा कि अरे टाइप करता हूँ चीज़ें, शायद इन्हें समझ आ जाए। तो आई होप सो इट वेंट वेल, और आप लोगों को भी सब्जेक्ट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा ये तो आई इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि एक इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा, आई होप सो एंड आई विश इट कुड हैव बीन, और इससे भी बेहतर हो सकता था, इससे भी बेहतर हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन एनी हाउ अभी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसमें रहते हुए बास कुछ लेक्चर्स में आई फेल्ट के मेरी 1-2-3 लेक्चर्स में आई वॉज वेरी टायर्ड, डैम टायर्ड, मैं उस तरह से फिर डिलीवर नहीं कर पाया था, आई नोटेड इट डाउन यार, लेकिन बहरहाल आई मेड अप दैट थिंग कि हाँ अब ये चीज़ें जो है फिर आगे मैंने उसको कवर कर दी, खुद भी इंसान को फील हो रहा होता ना कि यार आज मैं उस तरह से एनर्जी से नहीं पढ़ा, लेकिन एनी हाउ और कोई चीज़ तो ये मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ये मेरा नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सर एक चीज थी जी, सर ये जो सीजा की सर्टिफिकेशन है, अगर हम जैसा बंदा मतलब कि जो अकाउंट्स की फील्ड से जा रहा है जिसको कंप्यूटर की बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, और एक वो बंदा जो सीएस की फील्ड से कंप्यूटर साइंसेस की, तो उसमें प्रेफरेंस का आ जाएगा मसला? प्रेफरेंस नहीं होगी, प्रेफरेंस नहीं है। देखें अगर आपका आपका बेसिकली ऑडिट का डोमेन है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है, आप फाइनेंशियल सिस्टम्स को बहुत अच्छा समझते हैं, तो आपको प्रिविलेज दी जाएगी। मतलब मैं इसको यूं समझूं, आप और मैं अगर हम सीसा के लिहाज से एक लेवल ऑफ नॉलेज पे आ जाएं तो प्रेफरेंस आपकी है, लेकिन अगर डिफरेंस कम है तो फिर भी आपकी प्रिविलेज है क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है। और सर तो इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन में भी मेरा यह जाती तजर्बा है कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपको फाइनेंशियल मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और ये आपने नाम सुना होगा शॉप फ्लोर मटेरियल मैनेजमेंट, इन चीजों का आइडिया है ना आपको, एंटरप्राइज मैनेजमेंट में शायद पढ़ी हो। यस सर, यस सर, एमआरपी, एमआरपी 2, हाँ एमआरपी, एमआरपी 2, इन चीजों का अगर अच्छा आइडिया है ना और आप ये कर लेते हो, ठीक है, तो आप कोई आपको बीट नहीं कर सकता, इवन मतलब एक्सपर्ट्स भी बीट नहीं कर सकते आपको। सर ये जरा बेसिक सी एक नो हाउ दे दें कि सीजा के लिए हम कब अप्लाई करें और किस तरह से इसकी थोड़ी सी गाइडलाइन, कि हम कुछ दोस्त चाह रहे थे कि ये करना चाह रहे थे हम। देखो सीजा का ये होता है कि सीजा की 2 स्टेजेस हैं, पहली स्टेज 1 ये है कि आपने पेपर क्वालिफाई करना, ठीक है, पेपर के 5 डोमेन्स हैं, उन डोमेन्स में रिलेटिव मार्किंग होती है, हर साल इनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, बहरहाल हाईएस्ट स्कोर इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू बी क्वालिफाइड, जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप क्वालिफाइड कहलाते हो। उसके बाद आपके पास 5 साल होते हैं और उन 5 सालों में आपने अपना केस सबमिट करना होता है,
उस केस के अंदर आप ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हो कि आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी आईटी ऑडिटिंग या सीजा में जिन डोमेन्स जो डोमेन्स आइडेंटिफाइड हैं उनमें से एक दो तीन चार किसी भी डोमेन्स में एक्सपीरियंस है, वो टोटल एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। भले 5 डोमेन्स हैं, सीजा में 11 डोमेन है, आप कहते हैं कि जी हर डोमेन में मेरा एक एक साल का एक्सपीरियंस है या हर डोमेन में आधे आधे साल का एक्सपीरियंस है, तो टोटल 5 साल का हो गया, तो फिर आप वो केस फाइल करते हैं। वो फिर केस आपका, वो उसको एवेल्युएट करते हैं कि हाँ यार ये क्वालिफिकेशन वाइज तो क्वालिफाइड है, अब इसका एक्सपीरियंस भी रेलिवेंट डोमेन का है और ये कि अब इसको सर्टिफाई कर देना चाहिए, तो फिर वो आपको सर्टिफाइड कर देते, फिर आपको एक बैज मिल जाता है। तो कहीं भी आप जाएंगे ना, वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका सीसा का सर्टिफिकेट क्या है और आपका बैज क्या है। ठीक है, ये इसकी मैं फॉर एग्जांपल आपको एक चीज दिखाता हूं, देख रहे हो? यस सर। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को ये नहीं रखा था, इसमें मुझे किसी ने भी कॉन्टेक्ट किया था तो मैंने उसको ये दिखाने के लिए रखा। ठीक है, तो ये बेसिकली अब मैंने 2009 में क्वालिफाई किया था, ठीक है, और डेट देखो 2014 के अंदर ये बेसिकली मुझे सर्टिफिकेशन मिली थी। वो उसकी रीजन ये है कि अच्छा, अगर मैं 2 साल पहले कर देता, अगर मैं अगले साल ही कर देता तो क्या होता, हर साल के बाद फिर रिन्यूअल कराओ। तो मैंने कहा यार ये जब आखिर लास्ट साल आएगा ना तभी कराऊंगा, ताकि वो जो 4 साल है ना उनका मैं रिन्यूअल एक्सपेंस बचा लूं, अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस 2009 में इतना था कि मैं उसको फुलफिल कर लेता। लेकिन जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं ना, बाजूकर में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बाजूकर लोग फेल हो जाते हैं, आप सीवीपी लिख दें फेल्ड, या आप लिख दें फेल तो खैर ना लिखे तो बहुत ही ऑफेंसिव हो जाएगा, लेकिन आप ये लिख दें कि आप परस्यू कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, नॉलेज तो है ना। तो कुछ कंपनीज कहती हैं कि जब कंपनी सर्टिफाइड लेती ना, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि सर्टिफाइड लोगों को अफोर्ड ही नहीं कर सकती लेकिन उनको आईटी ऑडिटर चाहिए होता है, तो वो क्या करती हैं, वो करती हैं कि भाई क्वालिफाइड लोगों को ले लेती हैं। समझ रहे हो ना, क्वालिफाइड और सर्टिफाइड में फर्क। यस सर। और अगर वो उनको भी अफोर्ड ना कर सकें तो फिर वो क्या करती हैं, वो कहती हैं भाई जो नॉन जो के क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड नहीं हुए लेकिन प्रिपेयर्ड हैं उनको ले लो। तो प्रिपेयर्ड में वो शख्स जो कि प्रिपेयर कर रहा है लेकिन एग्जाम में अपेयर नहीं हुआ, उसके मुकाबले में वो शख्स जो कि प्रिपेयर करके एग्जाम में अपेयर होके फेल हो चुका है वो ज्यादा वेटेज वाला है। तो ये कर सकते हैं आप अपनी, अगर आप करना चाहते हैं तो आप तैयारी करें और डे वन पे आप लिख दें अपनी सीवी पे सीजा परस्यूइंग, आप सीजा कर रहे हैं। जब तक कोई इंटरव्यू कॉल आएगी उसे तो हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर लें, और ये कि हो सकता है उस डर से आप सीजा पढ़ लें, तो इट गोज बोथ वे। ओके सर, थैंक यू। इसकी सालाना जो मेंबर, अब तो खैर मैं रिन्यूअल भी नहीं कराता, मेंबरशिप जो है रिन्यूअल है वो मेरे ख्याल से $120-140 की है। इसकी जो फीस है सर्टिफिकेशन की वो मेरे ख्याल से अब तो $650 की हो गई है, और सर्टिफिकेशन की भी $100 है, और ट्रेनिंग जो है वो मेरे ख्याल से $2,000-2,500 की है। बहुत ज्यादा है सर, ये तो मैं यूएसए की बता रहा हूँ, यूके में तो 4,000-4,000 pounds की है। अभी मुझे एक फ्रांस के बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे वो कह रहा है भाई एग्जाम की गारंटी करके दो, तो अब मैं पढ़े बगैर कैसे गारंटी कर दूं। तो ये चीजें बहरहाल। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं, आईएसओ लीड ऑडिटर 27001।
यस सर, वो जो आईटी से रिलेटेड आपने बताया था। ठीक है जी, आई एम लीविंग, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। बता देना कि सर हमारा हो गया क्वालिफाई। अच्छा वो जो क्या कहते हैं, अच्छा ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, क्या कहना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है ना, जब भी मुझे ईमेल लिखो तो अपना बता देना कि मैं हम आईसी में ऑनलाइन हमने पढ़ा था, ताकि मुझे पता तो चले कौन बात कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।